किसके बारे में? अमित 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 नालायक जो था ना वो क्या हो गया? अरे ब्रो मैं बसंती जा रहा हूँ ना, तो वही बगल में तो बसंती है। तो बराबर काम करना चाहिए। यहाँ पे
इसमें विंडो 8 क्यों डाले? आप डाले कोई और डाले? विंडो 8 डाला हुआ है। बेकार है
हरे कृष्ण स्टूडेंट्स ऑडिबल। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। क्रिएशन में मैंने तो एक्चुअली कल कल मैंने एक स्टेटस छोड़ा था एफर्म बुक, ठीक है ना। मैंने उसमें मेंशन किया था, आपने शायद देखा होगा वो स्टेटस में मैंने मेंशन किया था नो रिप्लिका। ये समझते हो नो रिप्लिका का मतलब क्या होता है? एनीवन? देखो होता क्या है ना कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, बहुत सारे, ठीक है ना। हम लोग कितना पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हमारे जो वेद पुराण में आता है हमें मालूम चलता है कि दशावतार है भगवान का। मत्स्य अवतार से शुरू हुआ था, वरह अवतार हुआ, ठीक है ना, कूर्मा अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, दशावतार हम लोग पढ़ते हैं। बट भगवान के इन्फिनाइट अवतार पॉसिबल है, ठीक है ना। ये सब कहाँ है, मतलब ये अवतार वगैरह ये सब चल क्या रहा है सर, ठीक है ना। सो द थिंग इज कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, ठीक है। और वहां पे जो है वहां पे दे रिसाइड इटर्नली, भगवान अपने हर एक मूड में हर एक फॉर्म में जो है वहां पे रहते हैं। इनफैक्ट अयोध्या भी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वृंदावन भी है, द्वारका भी है, ठीक है ना। तो एवरीथिंग इज देयर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जब भगवान को लीला करने का मन होता है ना, वो जब प्लैनेट में आते हैं, अरे इस बार किस में जाना है, इस बार प्लैनेट अर्थ में जाना है, अच्छा इंडिया में जाना है, ओके ओके ठीक है ठीक है, राम अवतार, ठीक है। तो भगवान का एक्शन में प्रीफिक्स रहता है कि कब कहाँ आना है, ठीक है ना। तो वो जब आते हैं तो वो अकेले नहीं आएंगे, वो बोर हो जाएंगे अकेले, अपने फैमिली को लेके आएंगे। और उनके फैमिली में सिर्फ पीपल नहीं होते, उनके फैमिली में पूरा का पूरा जो है क्रिएशन, मतलब वो पार्ट होता है। लाइक जब राम अवतार होगा तो पूरा अयोध्या का रेप्लिका आएगा, ठीक है ना। भगवान राम के आने से पहले जो है बाकी लोग जो है बाकी लोग पहुंच जाते हैं, अरे भगवान के आने से पहले हम लोग को सब कुछ रेडी वेडी करना है, ठीक है। तो भगवान राम के आने से पहले मतलब अयोध्या का रेप्लिका जो है पूरा क्रिएट होता है, फिर भगवान राम वहां पे अवतार लेते हैं, ठीक है। तो हर एक ईश्वर का जो भी फॉर्म है, जितना भी फॉर्म है ईश्वर का, सारा फॉर्म जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। और वो हर प्लैनेट में आते हैं अपना असाइंड टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। सिर्फ एक ऐसा फॉर्म है भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ही नहीं, ठीक है ना। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का लोकेशन देखोगे, ये एड्रेस, अच्छा B16 B18 प्लॉट नंबर ST25, कहीं नहीं मिलेगा वो, ठीक है ना। एक ऐसा अवतार है भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ही नहीं। दैट अवतार रिसाइड इटर्नली विथ देयर डिवोटीज। वो स्पिरिचुअल आना जाना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, काम करते हैं वहीं रह जाते हैं, ठीक है ना। एंड दैट अवतार इज जगन्नाथ अवतार, ठीक है। ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, मैं बोलूंगा आप लोग सब इसी में आ जाओ, 8598884040 में आ जाओ, ठीक है। मैं रखा था 200, क्योंकि ग्रुप में जो है ग्रुप में 200-250 है, लेकिन सारे लोग थोड़ी ना सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। आ जाओ आ जाओ, कम हियर ऑल दोस पार्टिसिपेंट्स जो दूसरे लैपटॉप में है, दूसरे आईडी में है कनेक्टेड, यू कम हियर, यू ज्वाइन हियर। इसमें मतलब वीडियो क्वालिटी वगैरह सब कुछ जो है ठीक ठाक है, अच्छा है इसलिए। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, वी स्टार्ट, एक मिनट में शुरू करेंगे। आज ऐसे होने क्या वाला है सर? गुड इवनिंग सर। अच्छा सर, आज मेरा भाई भी सुनने आया है। एक मिनट, हाँ जी बताइए, किनका भाई सुनने आया बोल रहे थे? सर मेरा छोटा भाई। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग जी, रिलैक्स, इतना एक्साइटेड नहीं होने का। हरे कृष्ण।
ऑल द पार्टिसिपेंट आप लोग सब जो है सब 859 वाले में आ जाओ. ठीक, दैट वुड बी नाइस. ये क्या हो रहा है ब्रो, ये ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है. आस्था मिश्रा जी, आस्था जी दूसरे आईडी में आ जाइए ना. जी सर. शायद ईश्वर की इच्छा है, आज का लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ इश्यूज है, यूट्यूब में ये ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएगा. चलो नॉट अ प्रॉब्लम. रिकॉर्डिंग तो दिखा रहा है. देखो तो मैं आज थोड़ा कश्मकश में था कि आखिर आज मैं बताऊं तो क्या बताऊं, क्योंकि इतना ज्यादा मुझे भी आता नहीं है. ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत कुछ पता है, लेकिन आई एम जस्ट अ सिंपल पर्सन. थोड़ा बहुत जो मुझे आता है, और मैंने भी कहाँ से सीखा, मैंने भी किसी से सुन के सीखा है. ठीक है ना, देर आर टीचर्स, मेरे टीचर्स एंड आई एम योर टीचर. ठीक है, मेरे टीचर्स जो है, मेरे टीचर्स मुझे सिर्फ यही सब सिखाते हैं. मेरे टीचर मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी नहीं सिखाते. ठीक है ना, मैं उनके पास सिर्फ यही सब सीखने के लिए जाता हूँ. वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सीख के क्या करूंगा मैं. ठीक है ना, वो इस लाइफ में पढ़ा रह जाएगा. और कितना सीख 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 के पक गया यार. ठीक है, केमिस्ट्री तो होता नहीं है अपन से. ठीक है, फिजिक्स आता है फिजिक्स कर लेता हूँ, मैथ्स होता है मैथ्स कर लेता हूँ, बायोलॉजी से दूर दूर का रिश्ता नहीं है. चलो तो देयर आर माय टीचर्स जिन्होंने मुझे सिखाया. ठीक है ना, आई लर्न फ्रॉम समवन. ठीक है ना, एंड एज इट इज आई एम ट्राइंग टू गिव इट टू यू. ठीक है, आप जो है, क्योंकि आप इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हो. ठीक है, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया आने के लिए. और अभी रथ यात्रा आ रहा है. ठीक है ना, जैसे लोगों का बर्थडे के लिए इंतजार होता है ना, अरे एक महीना के बाद हमारा बर्थडे है. ठीक है ना, वैसा ही ईगरनेस होना चाहिए. अरे एक महीना के बाद रथ यात्रा है. आज का फोटो अपडेट नहीं किया हूं मैं, अभी आज का भी ये फोटो है. अभी रथ में जो है, रथ के ऊपर का भी पोर्शन बन गया, और आज वहां पे बारिश हुआ था, तो बारिश में जो फोटो लिया गया ना, क्या कूल दिख रहा है. ठीक है ना, आई विल सेंड इट आफ्टर द ये छोटा सा जो भी. ठीक है, तो आज हम आपको जो थोड़ा मोड़ा मुझे पता है, हम आपको बताएंगे भगवान के एक बहुत बड़ा मिशन के बारे में. ठीक है ना, भगवान एक बार मिशन पे निकले थे जगन्नाथ जी. ठीक है ना, ये मिशन पे वो कहाँ गए थे, ये मिशन पे वो गए थे कांची. ठीक है ना, आज भी आंध्रा में कांचीपुरम है. जानते हो, एक स्टेट का आंध्र प्रदेश एक स्टेट है जिसमें कांचीपुरम नाम का कोई एक सिटी है या होगा. ठीक है ना, तो दैट्स द रियल फैक्ट. ठीक है ना, भगवान एक बार जो है, भगवान एक बार कांचीपुरम गए थे. खुशी से जाते हैं क्या भगवान, अरे पढ़ पढ़ के बोर हो गए, चलो थोड़ा घूम के आते हैं समर वेकेशन. नहीं नहीं नहीं, भगवान लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि भगवान जो है, भगवान का सिर्फ कार्य क्या रहता है, आपके भक्तों के भक्त जो है भगवान का सेवा करते हैं, और भगवान कोशिश करते हैं हम अपने भक्त का सेवा करें. ठीक है ना, तो ये फैक्ट जो है, इसका बहुत सारा इंस्टेंस भी तुम्हें मिल जाएगा, मैं लास्ट में जो स्टोरी के एंड में शेयर करूंगा. ठीक है, 1000 इयर्स अगो, टेंटेटिवली नॉट एग्जैक्ट. ठीक है ना, तो 1000 साल पहले का आसपास का इंसिडेंट है. उस समय अभी भी देखो, अभी भी ना पुरी में एक राजा है. ठीक है, हमेशा पुरी के जो है, पुरी के एक राजा रहते हैं. तो वैसे ही जो है, वैसे 1000 साल पहले भी जो है, उसको गजपति महाराज बोलते हैं.
ठीक है ना। तो 1000 साल पहले भी जो है पुरी के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था रुद्र प्रताप रुद्रदेव टाणा। उनका एज कुछ 18-20 साल हो रहा था, काफी जल्दी उन्होंने जो है उन्होंने राजपाट का बोझ जो है उठा लिया था, ठीक है ना। क्योंकि देखो यार समय के साथ लोग मैच्योर होते हैं, ठीक है ना। एज कम होने से भी ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई देता है, और कभी कभी एज ज्यादा होने के बावजूद भी कम मैच्योरिटी दिखाई देता है, ठीक है ना। और इधर से महाराज प्रताप रुद्रदेव, ठीक है ना, इतना बड़ा नाम तो मेरे से होगा नहीं, बस शॉर्ट फॉर्म रुद्र जी, ठीक है ना। तो महाराज रुद्र जी थे इधर उड़ीसा में, ठीक है ना, उस समय के राजा थे। और उधर जहां का इंसिडेंट बता रहा हूं मैं, भगवान कहां गए थे, भगवान गए थे ना कांचीपुरम। तो कांची प्रदेश जो था, कांची प्रदेश के भी एक राजा थे, उनका नाम था नरसिंह देव जी, ठीक है ना। तो वहां पे महाराज नरसिंह देव जी और यहाँ पे महाराज प्रताप रुद्र देव जी। तो हुआ क्या ना कि नरसिंह देव जी के जो है उनकी एक बेटी थी जो अभी शादी के लायक हो चुकी थी, ठीक है ना। तो अब शादी के लायक हो चुकी थी तो उस समय क्या करेंगे, लड़का ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो लड़की जो है, लड़की जब शादी के लायक हो चुकी थी तो उनके पिताजी जो है लड़का ढूंढ रहे थे। तो इधर उधर बहुत जगह ढूंढ रहे थे, उनको मालूम चला कि महाराज प्रताप रुद्र देव है, कहाँ पे है, पुरी में, जो अभी उसी एज में है कि उनका भी अभी शादी होने वाले होने को होगा, ठीक है। अब उनका शादी होने को होगा और इधर उनकी बेटी भी शादी के लायक है, तो रिश्ता लेके जाने का सोचे। तो पहले जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था कि राजा खुद जाएगा रिश्ता लेकर, टेंशन नहीं, राज पुरोहित जाते थे, ठीक है ना, राजमंत्री जाते थे। देखो राजा का जो है, राजा का अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो राज पुरोहित जाएंगे, राजमंत्री जाएंगे, और वो जाके जो है ये सब बात जो है छेड़ेंगे, ठीक है ना। आजकल के जमाने में क्या, आजकल के जमाने में लड़का लड़की को देखता है पसंद आया कि नहीं, लड़की लड़का को देखता है पसंद आया कि नहीं, बैंक बैलेंस कितना है, काम कितना करता है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब देख लेते, उसके बाद चलो आप शादी करेंगे, ठीक है। उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय जो है राज पुरोहित जिस लड़के को पसंद करेंगे डन करेंगे, शादी उसी के साथ होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि उस समय उनके पिताजी किसी को देखते थे या फिर वो जो बेटी है बेटी को किसी को देखना पड़ता, ठीक है, उस समय का था, अभी तो जमाना बदल गया, ठीक है। तो वो राज पुरोहित लोग आए, ठीक है ना, यहाँ पे राजा के जो है राजा के दरबार में पहुंचे, राजा के दरबार में राजा के राज पुरोहित लोग जो थे उड़ीसा में जो है, ठीक है ना। तो राजा के राज पुरोहित जो है वो लोग से मिले, वो लोग से बोले कि नहीं नहीं ऐसे 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 पर्पस से हम लोग आए हैं। तो फिर दोनों का कुंडली मैच किया गया, कुंडली वगैरह सब मैच हो गया। उसके बाद जो है फिर राजा, मतलब वो राज पुरोहित जो उधर से आए थे, कांची से आए थे, वो लोग जो है वो लोग फिर उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र को देखे। प्रताप रुद्र जी के हॉस्पिटैलिटी से, उनके बिहेवियर से, उनके कैरेक्टर से बहुत प्रसन्न हुए, हैप्पी, और उन्होंने वहीं पर फाइनलाइज कर दिया, स्टैंप मार दिया, नहीं हम आपको जो है हम आपको अपनी पत्नी, मतलब अपनी बेटी के, मतलब राजकन्या, सॉरी जो भी एक्स वाई जेड थोड़ा टर्म मिसिंग रहता है, ठीक है ना, जो हमारी राजकन्या है हम उनके पति के रूप में जो है आपको एक्सेप्ट करते हैं, डन हो गया। आजकल क्या होता है, आजकल एंगेजमेंट होता है, ठीक है ना, शादी से पहले से एंगेजमेंट रिंग पहनाया जाता है, टांटाना। तो उस समय जो है, उस समय वो लोग भी जो है एक राजमुद्रिका लेके आए थे, एक रिंग लेके घूम रहे थे वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा को बोल दिया कि यू आर डन, यू आर फाइनलाइज, वी हैव सेलेक्टेड यू, ठीक है। और उन्होंने जो है उन्होंने भेंट के रूप में जो है वो राजमुक्ति का राजा को ऑफर किया कि ये हमारी तरफ से निशानी कि हम आपको मतलब एक्सेप्ट करते हैं अपनी राजकन्या के हस्बैंड के रूप में। इतना डन हो गया। अब इसके बाद जो इसके बाद करना क्या था, इसके बाद शादी करने के लिए जो है ये जो कांची से आए थे जो राजपुरोहित लोग, वो लोग जाते हैं वहां पे उसके राजा को बताते हैं और फिर शादी का अरेंजमेंट होता है। शादी होता है, यही तो होने का था, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। और क्या गड़बड़ हुआ सर, गड़बड़ ये हो गया यार कि जब ये सिचुएशन चल रहा था उसके ठीक 15-20 दिन के बाद रथ यात्रा था, ठीक है ना। तो सर ये तो अच्छा चीज है, गड़बड़ क्या है ये? हाँ हाँ पॉइंट है, रुक मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या है, ठीक है ना। हुआ क्या, शायद भगवान की यही इच्छा थी, ठीक है ना। हुआ क्या कि राजा बोले हमारे यहाँ पे एक बड़ा फेस्टिवल होने को है, आप इतने दूर से आए हैं, रुक जाइए थोड़ा देख के जाइए। बोले बोले नहीं नहीं हमारे यहाँ भी तो बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता है। नहीं, इतना बड़ा फेस्टिवल आप कभी नहीं देखे होंगे, पूरे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा ऐसा है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो लोग तैयार हो गए, वो लोग वेट किए 10-15 दिन के बाद तो है रथ यात्रा है, देखेंगे कैसा फेस्टिवल। जिस दिन रथ यात्रा आया, माय गॉड इतने सारे भीड़, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। आज भी देखो, आज भी रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जो है किसी को बुलाते हैं क्या, लेटर लिखते हैं क्या, आज मैं बाहर जाने वाला हूँ, जिनको जिनको मिलना है मेरे से आ जाओ,
एडवर्टाइजमेंट करते हैं क्या, ब्रांडिंग करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, ठीक है ना, बिलबोर्ड्स वगैरह कुछ देते हैं, बिना बुलाए भीड़ इकट्ठा हो जाता है। ये जब अंग्रेज लोग थे ना 1947 ये जो स्पैन था इनका 80-90 साल जो बिताए थे इडियट्स, ठीक है ना, इन लोग को समझ में नहीं आता था पूरी में क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये लोग बड़ा बड़ा असेंबली बड़ा बड़ा अपना मीटिंग करते थे और बोलते थे इनको भीड़ जमा कैसे हो रहा है आखिर, क्योंकि अंग्रेज ना भीड़ जमा होने से बहुत डरते थे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये लोग कहीं मिलकर प्लान तो नहीं बना रहे, ठीक है ना। और रथ यात्रा में जो है कोई इन्विटेशन नहीं, कोई लेटर पैड नहीं, कोई फ्लायर नहीं, कोई ब्रोशर नहीं, लोग अपने आप पहुंचे जा रहे हो कैसे रहा है, उसी के समझ से बाहर था। तो ऐसे ही उस समय भी जो है उस समय भी बहुत लोग आए 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 सब आए, ये लोग जो है ये लोग जो कांची से आए ये लोग देखते शौक, माय गॉड सीरियसली बड़ा फेस्टिवल हो, ठीक है ना, पूरा चौंक गए। उसके बाद वो देखें कि भगवान जगन्नाथ जो है अपने रथ में विराजमान है, अभी अभी उनको मंदिर से निकाला गया, अभी वो रथ में बैठे, ठीक है ना। हाँ सीरियसली बड़ा फेस्टिवल है, कुछ तो हो रहा है, भगवान जो है भगवान बाहर आए हैं और वो अभी रथ यात्रा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस समय एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ, सो सैड, ठीक है ना। वो क्या देखें कि जिसको इन्होंने राजा, जिसको इसने अपने मतलब राजकन्या के हस्बैंड के रूप में सेलेक्ट किया था, वो नॉर्मल कपड़ा धोती कुर्ता वगैरह नॉर्मल एक साधु वाला वस्त्र पहन के झाड़ू लगा रहे। एक बात बताया, तेरे घर में मेहमान आएगा, ठीक है, तेरे घर में मेहमान आएगा, आप अपनी मम्मी को ऑब्जर्व किए, तुम लोग तो बच्चे हो, ठीक है ना, तुम लोग अपनी मम्मी को ऑब्जर्व किए, तेरी मम्मी को अगर जैसे ही पता चलता है मेहमान आने वाले, तुरंत साफ सफाई, इधर सामान उधर, वो सामान इसको यहाँ रखना है, उसको यहाँ रखना है, मेहमान आने वाले, ठीक है ना, पूरा रूम को साफ कर। कब भी देखे हो कि मेहमान बैठे हुए और मम्मी इतना छटपटा के साफ सफाई कर रही, एकदम नहीं, कभी नहीं देखो, जो हुआ मेहमान के आने से पहले जो हुआ डन, उसके बाद नहीं, ठीक है ना। और साफ सफाई नहीं हुआ तो मेहमान के सामने बोलेंगे हाँ थोड़ा सा बिखरा पड़ा था, ठीक है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, रेज हैंड, आपने ऑब्जर्व किया मम्मी के अंदर ये बिहेवियर, सिंस आई एम नॉट होम, है बच्चे हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है ना, कभी तुम्हारी मम्मी जो है, कभी तुम्हारी मम्मी देखना मेहमानों के सामने झाड़ू नहीं लगाती, मतलब मेहमानों के सामने बोलने का मतलब कोई गेस्ट आए हैं उनके सामने जो है उनके सामने ऐसे झाड़ू पोछा नहीं लगाती, ठीक है ना। अरे भाई दो चार लोगों के सामने झाड़ू पोछा लगाने में जो है तकलीफ होता है लोगों को, ये राजा जो है, ये राजा पूरा इंडिया का पब्लिक के सामने झाड़ू मार रहा गया, ठीक है ना, उनको समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। अरे वो झाड़ू पोछा वाला शायद नहीं आया होगा तो वेट कर लेते, ये क्यों झाड़ू मारने गए, और ऊपर से उसके बाद देखते हैं कि नीचे तो झाड़ू लगाए लगाए रथ के ऊपर चढ़ गया फर्स्ट फ्लोर, ठीक है ना, जगह ना वहां पर झाड़ू लगा, हे भगवान इसको हम लोग जो है इसको हम लोग अपने मतलब वो राजकन्या के हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करने वाले थे, पूरा पब्लिक देख रहा है और ये झाड़ू लगा रहे, बहुत खराब लगा, बहुत खराब लगा, ठीक है ना। आज भी एक्चुअली तुम्हें पता होगा या नहीं पता होगा मुझे तो नहीं मालूम, बट आज इन्फॉर्मेशन के रूप में ले लो कि जब भी रथ यात्रा होता है ना तो सबसे पहले राजा आता है और झाड़ू लगाता है, ठीक है ना, राजा के झाड़ू लगाने से पहले रथ शुरू नहीं होता आज भी, टिल नाउ। हाँ सर वो टीवी में दिखाता है, ठीक है ना, तो राजा आते हैं और राजा जो है उसमें झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद ही रथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उस समय ऐसे ही झाड़ू लगाए वो, अब झाड़ू लगाए भयंकर बेइज्जती हो गया, एक्चुअली बाकी लोगों के सामने कुछ नहीं हुआ लेकिन ये लोग जो कांची से आए थे इनको कुछ समझ उमझ आया नहीं, ये बोले यार हम तो इनको एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है ना, कि ये हमारे फ्यूचर मतलब किंग हो, मतलब किंग तो नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, वही जो भी, हम तो इनको एक्सेप्ट कर लिए हैं, अब तो गड़बड़ हो गया, हमारी राजकन्या है वो इस चंडाल के साथ शादी करेगी, देखो जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं ना उनको चंडाल बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो इसके साथ शादी करें, ठीक है ना, लोअर कास्ट में, तो वो क्या करें, क्या बात करें, नहीं करें, उनको बहुत खराब लगा। वो क्या किए, वो रथ यात्रा के दिन ही वहां से निकल गए, वापस चले गए, ठीक है, किसी को कुछ हाय बाय टाटा कुछ नहीं, ठीक है ना, सीधा चले गए बिना बताए पहुंच गए, फोन वोन तो था नहीं कि राजा से दोबारा कॉल बैक करता, अरे कहाँ है सर आप लोग, ठीक है ना, फोन वोन तो था नहीं, ठीक है ना, तो बस गए तो गए, राजा सोच रहा होगा कि शायद, राजा सोचे कि शायद कुछ इंपॉर्टेंट काम हो गया होगा, आ गया होगा, बता नहीं पाए इसलिए जो है, इसलिए बिना बताए जो है निकल गए, ठीक है ना। कुछ दिन के पास राजा के पास लेटर आता है, लेटर में लिखा हुआ है आई एम सॉरी,
हम अपनी राजकन्या को आपके साथ विवाह नहीं करवा सकते। अच्छा, क्यों नहीं करवा सकते जी? क्योंकि हमने सब कुछ ठीक था, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। सर थोड़ा सुनाई नहीं दे रहे हैं। अदर स्टूडेंट एम आई ऑडिबल? हाँ सर। यस सर। यस सर। कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। ठीक है, तो राजा का जो है, राजा का कैरेक्टर अच्छा है, राजा ने वेल रिसीव किया था लोगों को, राजा के पास धन संपत्ति बहुत है, जमीन वगैरह बहुत, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन सर एक चीज अच्छा नहीं लगा, आप पब्लिक के सामने झाड़ू मार। ऐसे लोगों के साथ हम अपनी राजकन्या का विवाह नहीं करा सकते, आई एम सॉरी। ठीक है, लेटर में लिखा हुआ था। ठीक है ना, अब ये लेटर पढ़ने के बाद राजा गुस्सा हो गया। ए? मैं अपने लिए थोड़ी झाड़ू मार रहा था, मैं तो हमारे इष्ट देव किनके लिए, जगन्नाथ जी के लिए झाड़ू लगा रहा था। ये क्या है, ये पगला हो गया क्या? ठीक है ना, बस इतना सा चीज के लिए जो है ये मुझे ऐसा बोल रहा है। चलो विवाह कैंसिल किया ना, युद्ध हो जाए, जो होकर देखा जाएगा। उसने जो है, उसने मेरे इष्ट देव का अपमान किया है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हम जाएंगे लड़ने के लिए। अरे भाई कांची बहुत दूर है उड़ीसा से। ठीक है ना, और उस समय तो ऐसा एरोप्लेन हुआ नहीं था कि टिकट बुकिंग किया और चल पड़े। ठीक है ना, ट्रेन भी थे नहीं, बस वही घोड़ा गाड़ी, नॉट गाड़ी, खाली घोड़ा वगैरह हाथी वगैरह थे। लेकिन भाई युद्ध करने जाओगे तो खाली अकेले जाओगे क्या? 10,000-20,000 सैनिक को लेके जाना है, इतना घोड़ा वोड़ा तो होगा नहीं। कुछ सैनिक पदयात्रा करेंगे, कुछ सैनिक जो है घोड़े में बैठ के जाएंगे, कुछ हाथी में बैठ के जाएंगे, राजा एक बड़ा सा हाथी में बैठ के जाएगा, टांटा एकदम 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 जाएंगे। लेकिन फाइनलाइज हो गया। ठीक है ना, कुछ भी करने का, लेकिन ईगो हट नहीं करने का, राजा का ईगो हट उठता है। ठीक है, और ऊपर से वो जेन्युइन भी है यार। ठीक है ना, आपने जो है, आपने सब कुछ फाइनल करने के बाद जो है आखिरी में आप बोलते हो कि नो यू आर रिजेक्टेड। भाई रिजेक्ट करना था तो पहला ही दिन कर देते ना। ठीक है ना योगेश सर, कोचिंग में एडमिशन देने के टाइम में जो है, उस समय आपने बोला था कि आप आ सकते हो, पढ़ सकते हो, उस दिन आपने हमें रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन पप्पा के सामने तो भरपूर बेइज्जती करते हैं सर आप। सॉरी। ठीक है ना, तो रिजेक्टेड बोलना था तो पहला ही दिन बोल देते। ठीक है ना, ईगो हट हो गया, ईगो। ठीक है ना, देखो पापा के सामने बेइज्जती नहीं करते यार, तुम लोग बुरा मत मानना। ठीक है ना, पढ़ाई नहीं करोगे तो गाली नहीं खाओगे क्या, कमाल करते हो। अभी राजा जा रहा है युद्ध करने अपने सैनिकों के साथ जा रहा है, और कहां पहुंच गया, कांची प्रदेश के एक्सटीरियर में, पेरिफेरी बाउंड्री। जैसे तुम लोग भी सुने होंगे ना, ट्रेन में जब बैठे रहते हो, अभी उड़ीसा एंटर करने वाले हैं, उड़ीसा एंटर, मम्मी पापा बोलते होंगे अभी उड़ीसा एंटर करेगा, ये स्टेट एंटर करेगा, वो स्टेट। वैसे कांची एंटर करने के बाहर जो एक्सटीरियर था वहां पे जो है, वहां पे राजा पहुंच गया। उधर से जो है, उधर से इंफॉर्मेशन दिया गया, अरे महाराज रुद्रदेव आए हैं, प्रताप रुद्रदेव है। क्यों आए, इनको तो हमने रिजेक्ट कर दिया था, क्या हुआ? नहीं नहीं, युद्ध करने आए हैं। क्यों युद्ध, इसलिए? नहीं नहीं, उनका जो है, उनको मतलब आपने जो है, आपने उनके इष्ट देव का अपमान किया है। अच्छा, युद्ध करेगा, चलो हो जाए फिर। ठीक है ना, दोनों के बीच में फिर युद्ध हुआ। जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ, कौन जीता? ऑब्वियसली सर, महाराज प्रताप, रुद्र प्रताप देव जीते होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना, पुरी के राजा, ठीक है ना, उड़ीसा के राजा हार गए। ठीक है ना, कांची के राजा जीत गए। वो एक्चुअली होता है ना, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, होता है ना। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट नारद मुनि ने दिया था कंस को। ठीक है, हुआ क्या था कि अब वो छोटा सा बालक जो था, भगवान कृष्ण जो थे, ठीक है ना, वो वृंदावन का केस बता रहा, भगवान कृष्ण जो थे, भगवान कृष्ण वृंदावन में रहते थे, और वृंदावन में जो है पहला दिन किसको भेजा था कंस ने, पूतना को भेजा था। पूतना गई, वापस नहीं आई। उसके बाद इधर कंस जो है, कंस हर दिन एक एक को भेजते जाता था, सब जाते थे, वापस नहीं आते थे। ठीक है ना, भगवान भगवत गीता में बोलते, जो मेरे पास आएगा वो वापस नहीं जाएगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते। ठीक है ना, तद्धावा परम मोह, जो यहाँ पहुंच गया वापस नहीं जाएगा। सब राक्षस दानव सब जाते थे, वन वे टिकट होता था, नो रिटर्न टिकट। ठीक है ना, तो उस समय नारद मुनि बोले थे कि कंस को बोले थे कि वो कृष्ण जो है, वो कृष्ण कैसे इन दानवों को वध कर दे रहा है, क्योंकि वो उनका घर है। ठीक है ना, उनको इधर बुलाओ,
तब वो अपना बल नहीं दिखा पाएगा, फिर कंस बुलाया और उसके बाद तो आप जानते हो क्या हुआ, ठीक है ना। तो वैसे ही इधर भी जीत गए, ठीक है ना, कौन जीत गया, नरसिंहदेव, ठीक है ना, राजा नरसिंहदेव जी जीत गए कांचीपुरम के राजा, और प्रताप देव जी हार गए। सो सैड, प्रताप देव जी को बहुत बुरा लगा। इनफैक्ट और एक चीज भी हुआ, क्या हुआ कि राजा बोलते हैं, वो कांचीपुरम के राजा बोलते हैं कि हम तो तुम्हें हरा दिए हैं, हम तो तुमको अरेस्ट करके जो है ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक बार तुम्हें रिजेक्ट वगैरह किया था, हम तुमको एक बार एक्सेप्ट किए थे, रिजेक्ट किए थे, चलो इस बार मान के जा जा जा, तुम्हें हरा दिया तू आ जा अपना प्रदेश चला जा, ठीक है ना, इस बार माफ किया, ठीक है ना। लेकिन राजा, राजा को बुरा लगा, राजा बोला अरे इतना बेइज्जती के बाद हम अपना प्रदेश कैसे जा सकते हैं, ठीक है ना। वो वहीं पे कावेरी नदी के किनारे बैठ गए, वहां कांचीपुरम में जो है कहीं, मतलब देखना वहां पे आज भी जो है, आज भी कहीं कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी के आगे बैठ गए और बोले ऐसा हार के तो पूरी जाके कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हम अपना जान दे देंगे, लेकिन भगवान से परमिशन ले लेते हैं, मृत्यु अपने आप को जो है, अपने आप को कावेरी में डुबकी लगाएंगे और डुबकी लगा के अपना शरीर त्याग देंगे, लेकिन ये करने से पहले हम क्या करेंगे, ये करने से पहले हम भगवान से परमिशन ले लेते हैं। तो उन्होंने जो है अपने एक मैसेंजर को भेजा, जाओ पूरी जाओ, ठीक है ना, और वहां से जो है वहां पे भगवान को जो है, भगवान को सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद भगवान से परमिशन लेके आना। भगवान से परमिशन लेके आना बोलने का मतलब क्या है कि भगवान जो है ना, भगवान जो फूल पहनते हैं ना, तो वो जो प्रसाद होता है, वो कभी कभी आप नोटिस करोगे कहीं कहीं, ठीक है ना, लोगों को फूल पहनाया जाता है, ठीक है ना, कोई भी बड़ा आदमी आएगा तो उसे फूल पहनाते हैं, ठीक है ना। तो फूल पहनाना एक तरह का जेस्चर है, एक तरह का रेस्पेक्ट है, बट अगर आप पूरी वगैरह में ऑब्जर्व करोगे, कहीं पर भी जहां पर भगवान वगैरह का पूजा होता है ना, तो भगवान जिस माला को पहनते हैं ना, कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किए होगे, अगर नहीं किए तो करोगे ऐसा, कि कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है ना, तो भगवान के गले का जो है, गले का जो हार है उसको निकाल के उस व्यक्ति को पकड़ा देते हैं, मतलब उसके गले में डाल देते हैं, ठीक है ना। ये पुष्प प्रसाद कहलाता है भगवान का। तो राजा ने बोला था कि आप पुष्प प्रसाद लेके आओ, भगवान को इन्फॉर्म कर दो, उनका पुष्प प्रसाद लेके आओ, उनका पुष्प प्रसाद एक्सेप्ट करके करके मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। मैसेंजर गया, मैसेंजर गया, और जो पूरी में बड़ पंडा होता है, ठीक है ना, तो बड़ पंडा जी को बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, राजा जो है, राजा हार गया है, अब वो आना नहीं चाहते, और पूरी वो वहीं पे अपना शरीर त्यागने का बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा, तो भगवान को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन पास हो गया, ठीक है ना। अब भगवान के गले से जो माला है कब निकलेंगे, ठीक है ना। भगवान देखो, भगवान जो है, भगवान जो अगले दिन जब सुबह होगा तो सुबह में भगवान को नया माला पहनाया जाता है, ठीक है ना, उस समय जो है पुराना वाला निकाला जाता है। तो सुबह तक के लिए वेट करना था ताकि वो पुष्प प्रसाद लेके जा पाते हैं, सुबह तक का वेट तो करना था। लेकिन भाई रात भर में जो है, रात भर में पंडा के स्वप्न में भगवान आए, ठीक है ना, जगन्नाथ जी, और बोले कि वो इडियट जो लड़ाई करने गया था, वो मेरे लिए लड़ाई करने गया है, बोल रहा है मैं से पूछ के गया था, मैं हाँ बोला था उसको जाने के लिए, ठीक है ना, खुद वक्त चल दिया, और अभी बोलता है कि मेरे परमिशन से जान दे देगा, ये क्या है, ठीक है ना। अरे भाई परमिशन लेना है तो दोनों केस में लो, तो मत लो, ये आधा परमिशन आधा नो परमिशन ऐसा कैसे चलता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डांटे, और उसके बाद बोले ये जाके बोल दो उनको दोबारा लड़ाई करनी, ठीक है ना, अब मेरे लिए लड़ने के लिए मेरे को मदद तो करना पड़ेगा, जाके बोल दो दोबारा लड़ाई करनी, इस बार हम हेल्प करेंगे, ठीक है। तो दूसरे दिन पंडा जी उठे और पंडा जी ने वो मैसेंजर को बताया कि देखो भगवान ने जो, भगवान ने कुछ ऐसा बोला, गो एंड इन्फॉर्म द किंग। चलो अच्छी बात है, ठीक है ना, वो जो मैसेंजर है, वो मैसेंजर जो है ये इन्फॉर्मेशन को लेकर राजा के पास आए और राजा को बोले कि प्रभु का आदेश है दोबारा युद्ध की तैयारी की जाए। क्यों? क्योंकि इस बार प्रभु का कहना है कि इस बार हम आपके साथ युद्ध करेंगे। राजा खुश, अरे भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है ना। लेकिन जब आशीर्वाद रहेगा तो कौन मार सकता है, बताओ ना, ठीक है ना। राजा खुश, सारे लोगों को बोला फिर से रिक्रूटमेंट तैयार शुरू किया जाए, क्योंकि देखो जो लोग पहली बार युद्ध किए थे उसमें से कुछ का मृत्यु हो गया था, कुछ लोग भाग गए थे, ठीक है ना, जितने सैनिक वगैरह थे, और जब इतने लोग जो थे, इतने लोग भाग भाग गए थे, सब इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, तो दोबारा युद्ध करने के लिए फिर से सैनिक चाहिए ना यार, तो रिक्रूटमेंट करना होगा। आर्मी में जो है, आर्मी में जैसे रिक्रूटमेंट होता है, कहीं पर भी रिक्रूटमेंट होता है, वैसे सैनिक का रिक्रूटमेंट करने के लिए राजा ने जो है, राजा ने आदेश दिया मंत्री को, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं, वो जो सैनिक लोगों का हेड होता है, भूल गया मैं, हाँ सेनापति, हाँ, तो
तो सेनापति महासेनापति को आदेश दिया कि फिर से जो है फिर से एक समूह तैयार किया जाए, बहुत सारे सैनिकों कहीं कहीं जहां मिले उठा के रिक्रूट करके ले आओ, ठीक है ना, जो भी मेरे तरफ से लड़ना चाहता है ये वो एक्स वाई जेड, ठीक है ना, सब इधर उधर गए। और उस समय जो उस समय कोई ऐसे रिक्रूटमेंट फॉर्म नहीं भरना पड़ता था बस, लेकिन कुछ ना कुछ बायोडाटा रखना पड़ेगा ना भाई, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, किस गांव से उठाए कितने लोगों को उठाए, ये घर का ये काम भी में जो है इस एक ये लड़का आया था वहां से वो लड़का आया, ये काला दिखता है ये गोरा दिखता है, ठीक है ना, जैसे लोग नो क्वालिफिकेशन फर्स्ट उठा लो, क्यों जगन्नाथ जी तो साथ है आ जाए, ठीक है। एक बात बता भाई, जिस घर से एक पर्सन को बुलाया जा रहा है कि तुम आ जाओ, क्यों, क्योंकि 15 दिन के बाद युद्ध होने वाला है तुम्हें लड़ना है, कोई जाएगा क्या, ठीक है ना। बड़ा मुश्किल से एक सेना इकट्ठा हुआ, छोटा सा सेना, ठीक है ना। इधर सेना इकट्ठा करने के बाद राजा ने फिर से मैसेज भेजा कांची के राजा को, हम आपसे दोबारा युद्ध करेंगे। अरे अभी तो हराया था बेचारा, फिर से युद्ध करने आ गया, क्या पागल वागल हो गए, किस खुशी में युद्ध कर रहे, अभी हार के गया दूसरी बार भी हारेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसके बाद वो कम्युनिकेशन चला दोनों राजा के बीच में, ठीक है ना, इधर से उधर कम्युनिकेशन चला, ठीक है ना, इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज इधर। तो मैसेज में कुछ ऐसा चल रहा था, ठीक है ना, नहीं इस बार जो है इस बार मुझे मेरे इष्ट देव का आशीर्वाद है, हम युद्ध जरूर जीतेंगे, हम युद्ध करेंगे। अच्छा तुम्हारे इष्ट देव का आशीर्वाद है, तुमको क्या लगता है हमारे इष्ट देव नहीं है, हमारे इष्ट देव भी है गणेश जी, हम भी उससे आशीर्वाद लेके युद्ध करेंगे और तुमको हराते हैं इस बार, ठीक है ना। और तू जिस इष्ट देव के भरोसे पे युद्ध कर रहे है ना, मैं एक काम करूंगा इस बार तुम्हें हराने के बाद तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा, जाऊंगा पूरी और पूरी पकड़ पूरी जाके सीधा जगन्नाथ जी को अरेस्ट करूंगा, ठीक है ना, जगन्नाथ जी को अरेस्ट करके लाऊंगा, अरेस्ट करके गणेश जी के पीछे रखूंगा, गणेश जी के पीछे रखूंगा, और एक दिन भी उनको खाना नहीं दूंगा, एक दिन भी उनका पूजा नहीं करूंगा। जिस इष्ट देव के बलबूते पे तो ऐसा बोल रहे हैं ना, मैं उस इष्ट देव को ये हस्त करने वाला हूँ, ठीक है ना। इधर फिर पूरी का राजा का भी हट हो गया, ठीक है ना, राजा राजा के बीच में भरभर युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, ऐसा बोला, ठीक है ना, तो मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं तुम्हें हराऊंगा, तुम्हारे इष्ट देव को गणेश जी को बांधूंगा, बांध के हाथी के ऊपर लटका के लेके जाऊंगा, पूरी में ले जाकर रखूंगा, वहां पर उनको जेल के अंदर रखूंगा, और वहां मतलब क्या बोलते हैं वो जगन्नाथ जी के पीछे रखूंगा, जेल में बांध के रखूंगा, ना पूजा दू ना उनका पूजा प्राप्त करने दूंगा उसे, और ना ही उसे कभी खाना पीना दूंगा, ठीक है ना, टिट फॉर टैट, हो तो गया, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। अब ये वर्बल मैसेज में वाया मैसेज जो है ये डिस्कशन चल रहा था, ठीक है ना। अब युद्ध का एक डेट फाइनलाइज हुआ कि इस दिन जो है हम लोग युद्ध करेंगे। इन द मीन टाइम राजा ने क्या किया, राजा ने जो है और एक लेटर जो है लेटर लिख के अपने मैसेंजर को बोल दिया, पूरी ले जाओ, भगवान जगन्नाथ को बता देना, ठीक है ना। और उसमें इन्फॉर्मेशन क्या था, अरे जगन्नाथ जी इस बार तो हम अगर आप हमारा मदद नहीं की इस बार हम तो हारेंगे, लेकिन आपको जो है आपको ना पूजा प्राप्त होने वाला है ना आपको खाना पीना मिलने वाला है, देख लो, ठीक है, क्या होने का था। युद्ध का तैयारी सुबह हुआ, युद्ध होने वाला था, ठीक है ना। राजा टेंशन फ्री, वो लोग जो सैनिक लोग थे जो लोग अभी अभी न्यू रिक्रूटमेंट हुआ था तलवार पकड़ना नहीं आता था वो लोग डर रहे थे यार क्या फंस गए कहाँ फंस गए, ठीक है ना। युद्ध जो है युद्ध शुरुआत हो चुका है। इधर जो है इधर जगन्नाथपुरी में जो है राजा ने बड़पंडा मतलब जगन्नाथ जी ने बड़पंडा को बोला आज का जो है आज का आरती मंगल आरती और वो सब जो प्रोसेस होता है ना उसको जल्दी जल्दी खत्म कर देना, क्यों, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, ठीक है, तो मेरे लिए जो है मेरे लिए दो घोड़े का व्यवस्था करो, एक काला घोड़ा होना चाहिए एक सफेद घोड़ा होना चाहिए। कहाँ जाएंगे, नहीं राजा जो है राजा लड़ रहे हैं ना तो हमें भी जो है साथ में लड़ने के लिए जाना है, कौन कौन जाएगा, मैं और बलराम जी, ठीक है ना। भगवान जो है भगवान जगन्नाथ काले हैं, बलराम जी गोरे हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, ग्रेट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। उन्होंने बोले ना कि हम लोग सैनिक के रूप में जो है जाएंगे युद्ध करने। अब पंडा जी को बोला गया तो पंडा जी को उस दिन सुबह उठे जल्दी 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 उस दिन का जितना प्रोसेस वगैरह आता है वो खत्म किया और इधर जो है इधर जगन्नाथ जी निकल पड़े हैं, ठीक है ना। जगन्नाथ जी और बलदेव जी दोनों जो है दोनों निकल पड़े दो घोड़े में। अभी जा रहे भगवान को जाने के लिए टाइम लगेगा यार, ठीक है ना, उनके लिए कौन सा बड़ा डिस्टेंस है, क्या बोलते पूरी से लेके कांचीपुरम, ठीक है ना। राजा लोगों को जाने में लगा होगा बहुत समय लगा होगा, 15-20 दिन का समय लगा होगा, महीना भर भी लग गया होगा। भगवान के लिए क्या है वो तो एक घंटा दो घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ क्या ना कि बड़ा ही धूप वाला दिन था, शायद समर सीजन चल रहा होगा। लेकिन अब समर सीजन में एक चीज बहुत अच्छा लगता है अपने को, क्या है मालूम है, आम बगान में जो है ना आम बगान में लस्सी का एक जो है भंडार लगता है, लस्सी भंडार, ठीक है ना। वहां वो सिर्फ और सिर्फ समर में लगेगा, 24/7 मतलब 12 महीना नहीं रहता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा 3-4 महीने के लिए वहां पे लस्सी बिकता है। वो लोग जो है वो लोग पोल वोल गाड़ के वो क्या बोलते हैं प्लास्टिक वगैरह गाड़ के वहां पे लस्सी बेचते हैं, लोग जाते हैं पीने के, ठीक है ना। प्रियंवदा माइक ऑफ करते हैं, ठीक है, लोग जाते हैं लस्सी पीने के लिए, तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा।
ठीक है ना। तो समर में जो है, समर में लस्सी, छाछ, ये सब जो है ना, ये सब बहुत चलता है, ठीक है ना। तो एक बूढ़ी औरत थी, वो बूढ़ी औरत ना रोड में ना छाछ, एक बड़ा इतना बड़ा हंडी लेके जो है, हंडी लेके उसमें छाछ बेच रही थी। उस समय ऐसे नहीं होता था कि एक ग्लास 50 रुपए, ठीक है ना। उस समय जो है एक कटोरे से जो है ऐसे छाछ निकालती थी, लोग ऐसे हाथ रखते थे, ऐसे हाथ में पीते थे, जितना पिला दी, जितना पैसा हुआ, ठीक है ना। लेकिन बेचारी उस बुढ़िया का उस दिन बिक्री नहीं हो रहा था, ठीक है ना, क्यों, बहुत धूप उप था। ऐसे ही राजा बहुत लोगों को रिक्रूटमेंट वगैरह करके ले गया, अभी फिर से बुला दिया है युद्ध करने के लिए, ठीक है, कोई है नहीं, घर में लोग परेशान होंगे, इनफैक्ट धूप है, लोग अपने घर से निकल नहीं रहे, ठीक है। उस समय वो बुढ़िया देखिए कि अरे दो लोग आ रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, इनको बोलती हूँ पीने के लिए, रिक्वेस्ट करूंगी पीने के लिए, क्योंकि ये लोग जो है ये लोग पक्का धूप में आए हैं, प्यासे होंगे, अगर प्यासे होंगे इनको प्यास लगा होगा, मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि मेरा मटके में जो छाछ रखी थी, छाछ या दही, ठीक है ना, फॉर द टाइमिंग, इतना तो मुझे डिटेल नहीं पता, लेट्स अज्यूम फॉर द टाइमिंग कि वो दही था, ठीक है ना, मटके में दही रखी थी, बोली जाके बोलूंगी कि बहुत मीठा दही है पी लो। वो ऐसे ही की गई, जाके बोली कि आप लोग तो धूप से आए थके हुए होंगे, एक काम करो थोड़ा सा दही वगैरह चख लो, बहुत मीठा दही है, तो इस गाँव का सबसे बेस्ट दही जो है मैं बनाती हूँ, ठीक है ना। वो दोनों बोले हाँ हाँ, हमें भी प्यार लगा है, पिलाओ पिलाओ, ठीक है ना। अब एक कप पिलाई, दो कप पिलाई, तीन कप पिलाई, पिए जा रहे, मटका खत्म हो गया, ठीक है ना। तो एक तरफ से जो है वो बुढ़िया खुश हो गई, अरे आज का सेलिंग खत्म यहीं पे, ठीक है ना। अब उसके बाद बोली पैसा फोकट का थोड़ी होता है, ठीक है ना, पैसे दो। ये दोनों बोले हमारे पास नहीं है, सॉरी, ठीक है ना। और कितना हुआ, नहीं 2 रुपए, मतलब अभी के स्केल में मैं बोल रहा हूँ, उस समय तो 2 रुपए नहीं होंगे, ठीक है ना। कितना हुआ, नहीं 2 रुपए हुए, मुझे 2 रुपए दो, नहीं है हमारे पास, अरे नहीं है, पीने से पहले बोलना था, ठीक है ना। अरे दिखने में ऐसे लगते हो लेवाइस का शर्ट पहने हो और क्या बोलते हैं रैंगलर का जीन्स पहने हो और बोलते हो पैसे नहीं है, ठीक है, नहीं मतलब फॉर इंस्टेंस कि अगर एक अच्छा खासा व्यक्ति जो है पूरा एकदम डिसेंट दिखाई देगा और फिर जो है सब कुछ खाने पीने के बाद एक होटल में बोलेगा पैसा नहीं है, कैसे लगेगा होटल वाले को, ठीक है, बहुत बुरा लगा उस बुढ़िया को। बुढ़िया बोल रही ऐसे कैसे चलेगा, अरे हम तो गरीब है और तुम ऐसे करोगे मेरे साथ। तो उस समय जो है, उस समय जो काले घोड़े पर सवार थे उन्होंने क्या किया, एक अंगूठी निकाला अपने हाथ से, बुढ़िया को दिया, बोला कि अंगूठी रख लो, राजा युद्ध के लिए हैं, जब वो वापस आएंगे ना उसे अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें पैसा दे देगा। हम कौन है, हम तो राजा के सैनिक है, हमारे पास पैसे नहीं, राजा को बोलो राजा पैसे दे। उस बुढ़िया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करती बेचारी, ठीक है ना, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, कम से कम ये होप से ही सही। वो जो है वो अंगूठी को ली और माँ लोगों का साड़ी में ना गांठ बांधने का आदत होता है, ठीक है ना। तो बुढ़िया जो है अपने साड़ी में उस अंगूठी को गांठ से बांध दी, 1 2 3 कई गुना हो जाए, बहुत कॉस्टली है, मतलब उसके लिए जो है वो अंगूठी उतना कॉस्टली नहीं था, बट 2 रुपए का मटका, इतना सारा जो रिटर्न आने वाला है, ठीक है ना। अभी तक जो इधर जगन्नाथ जी और बलदेव जी निकल पड़े हैं रथ में, ठीक है ना। उधर युद्ध तब तक शुरू हो गया था, 11-12 बज गया था, युद्ध तब तक शुरू हो गया था। और जब युद्ध चल रहा था उस समय जो है, उस समय फिर से जो है ये लोग हारते हुए दिख रहे थे, ठीक है ना, पूरी वाले लोग। अचानक से ये दोनों एंट्री मार रहे थे, बाकी आगे तो तुम लोग समझदार हो, तो तुम्हें बताने का दरकार नहीं है, ठीक है ना। किस तरीके से फाइट किए, ठीक है ना, लोग लड़ कम रहे थे और उनको ज्यादा देख रहे थे, ये क्या चल रहा है, कौन है ये दोनों, कहाँ से आए, कैसे लड़ रहे, इतना भयंकर, कहाँ से ट्रेनिंग लिया, कौन से टीचर के अंडर में लोग ट्रेनिंग लिया, पूरा का पूरा एक दिन में फाइट खत्म। तो पता है महाभारत युद्ध बहुत दिन के लिए चला था, एक दिन में महाभारत युद्ध खत्म नहीं हुआ था, ठीक है ना। जो पहले युद्ध होता था ना, युद्ध बहुत लंबा चलता है, एक दिन में खत्म नहीं होता, ठीक है ना। बट यहाँ पे वनडे मैच, ये टेस्ट मैच नहीं है क्रिकेट का, ठीक है ना, टेस्ट मैच 5 दिन के लिए चलता है, ये वनडे मैच, शाम तक गेम फिनिश, ठीक है ना। सबको हरा दिया, राजा को अरेस्ट कर दिया, खत्म। कौन से राजा को, कांचीपुरम वाले राजा को, ठीक है ना। अब जो है, अब किनका जीत हो गया है, अब जीत हो गया है पूरी वाले का, ठीक है ना। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसा डायलॉग है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है ना, जब आप हार जाते हो ना और उसके बाद जीतते हो ना, तो एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है, यस कर दिखाया हमने, देखा, ठीक है। तो पूरी वाले राजा को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल हो गया था, ठीक है ना। वो जो है राजा को अरेस्ट किए, राजा को बोले, बहुत बोल रहा था ना, पकड़ के लाओ उसके इष्टदेव को। गणेश जी को उठा लाया गया मंदिर से, ठीक है ना, हाथी के ऊपर लटका दिया गया, बांध दिया गया,
ठीक है ना, इतना के बाद राजा को चले जाना चाहिए था, लेकिन राजा ने क्या किया ना, वो जो कन्या जिनके साथ उनका विवाह होने वाला था बोला कि उसको भी अरेस्ट कर दिया, ठीक है ना। उस कन्या के पिताजी ने बोला, उस कन्या के पिताजी मतलब राजा ने बोला, कांची के राजा ने, अरे इतना सब कुछ आपने तो आपने हमें जीत लिया है, आपने पूरा राजपाट, ये सोना चांदी जितना भी हमारा जो ट्रेजर बॉक्स था वो सब आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इस बेचारी को क्यों लेके जा रहे हो, उसे क्षमा कर दो, इसको क्यों बंदी बना रहे हो, ठीक है ना। नहीं, जो हुआ है इस लड़की के चक्कर में हुआ है, तो बोल रहा ना इसको कि इस चंडाल के साथ शादी नहीं कराएगा, लेटर में लिखा था तू, मैं इसको चंडाल के साथ शादी कराऊंगा, ठीक है ना, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट चंडाल को ढूंढूंगा और उसके साथ तेरी बेटी का शादी कराऊंगा, क्योंकि जो हुआ इसी के वजह से हुआ है। तो दो लोगों को वहां पे अरेस्ट, राजा को तो ऐसे छोड़ दिया, ठीक है ना, दो लोगों को अरेस्ट करके पूरी के राजा निकल पड़े, ठीक है ना। किन दोनों को अरेस्ट किया गया, एक तो उनकी बेटी को, कांचीपुरम की जो मतलब राजा की बेटी थी, और दूसरा जो है इष्टदेव गणेश जी को, वापस आ रहे थे। देखो तो एक्चुअली होता क्या है ना, जब वापस आ रहे हैं जा रहे हैं ना, ये सब टाइम में इतना आसान नहीं होता है वापस आना जाना कि एक बार घी करके 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गाड़ी चलाएं और पहुंच गए, ठीक है ना। एक्चुअली जब वापस आ रहे हैं थे राजा ना, तो उनके रास्ते में जो है ना लोग उनको बहुत बार रोकेंगे, ठीक है ना, अरे राजा किस रास्ते से पार होगा, एक काम करते हैं हम यहाँ पे टेंट डाल देते हैं, क्यों, जब राजा आएगा ना तो राजा को भेंट देंगे। अभी कुछ दिन पहले देखे थे ना कि राउरकेला में जो है प्रेसिडेंट आए थे, ठीक है ना, वो प्रेसिडेंट आए थे सेक्टर 2 से, मैं सुबह संडे का दिन था, सेक्टर 2 से मैं सुबह 10 बजे कहीं जाने वाला था, गली में जगह ही नहीं है, अरे भाई पूरा छेक वेक के खड़े, आधा भीड़ तो प्रेसिडेंट को देखने के लिए खड़े थे, ये भाई कौन है, क्या हो गया ये, ठीक है ना, हम लोग उसमें जा नहीं पाए थे, हमें वापस आना पड़ा था, हम कहीं काम से जा रहे थे, तो ठीक है ना, हम लोग दो लेखते, ठीक है ना। तो कभी भी कहीं पे कोई प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं, कहीं पे कोई प्राइम मिनिस्टर आते हैं, भीड़ हो जाता है, भयंकर भीड़ होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब राजा रिटर्न कर रहे हैं, राजा रिटर्न कर रहे हैं पूरा का पूरा उस राज्य को जीत के, जो है वहां का ट्रेजर बॉक्स खाली कर दिए हैं, वहां के वो कन्या को ले आए हैं, और मतलब क्या बोलते हैं गणेश जी को, जो गणेश जी को एक हाथी में, कन्या को एक हाथी में, ट्रेजर बॉक्स वगैरह सब लेके अभी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सैनिक वगैरह ऐसे आगे चलते हैं, बट राजा को कहीं कहीं रुकना पड़ता है, क्यों रुकना पड़ता है, कोई उसे गिफ्ट देना चाह रहा है, दे नीड टू रिसीव द गिफ्ट, थोड़ा सा टॉक करना होगा, अरे बिजनेस टॉक है, ये टॉक है, वो टॉक है, ठीक है ना। तो राजा का जो पेस रहता है ना वो जनरली स्लो रहता है, और उनके आगे जो है उनके आगे काफी लोग रहते हैं, ठीक है ना, उनके सैनिक वगैरह काफी आगे तक रहते हैं। तो राजा अभी जीत के आ रहे थे, एक्साइटमेंट लेवल डबल था, ठीक है ना। इधर जो है, इधर उड़ीसा में जहाँ पे ये बूढ़ी औरत जिनका छाछ खत्म हो गया था, ठीक है ना, इट सो हैपेंड कि जिस दिन वो लोग जीते थे ना, जिस दिन वो युद्ध जीते थे, ठीक उसके अगले दिन जो है जब बुढ़िया बूढ़ी औरत फिर से छाछ बेच रही थी, कोई नहीं आ रहा था, तो यही दो सैनिक वापस आ रहे थे, ठीक है ना। और ये सोचे कि नहीं अभी दूसरी बार आ रहे हैं, इस बार तो पक्का जो है, इस बार पक्का जो है ये लोग पैसे वैसे देंगे, सब कुछ हो जाएगा, और राजा वगैरह का हेडेक नहीं, दोबारा जो है बूढ़ी औरत का सारा छाछ पी गए थे और दोबारा पैसे नहीं दिए, बोले है ना सिक्का है ना, अभी हम लोग आ रहे हैं, पीछे से राजा आ रहे हैं, ठीक है ना, वो दे देंगे। बूढ़ी औरत पूरा परेशान, ठीक है ना, 2 रुपए और 2 रुपए 4 रुपए हो गए बूढ़ी औरत का बाकी, ठीक है ना, और कौन पैसा देने वाला है, राजा देने वाला है, ठीक है ना। तो ये हुआ था। अभी जब राजा धीरे धीरे करके वापस आ रहा है, उधर कांची वगैरह का जो प्रदेश वगैरह कवर अप करके अभी जस्ट पूरी में एंटर किए हैं, तो पूरी के लोग पूरा एक्साइटेड, राजा इस गली से पार होंगे, ठीक है ना, तो इस गली से पार होंगे, इस रास्ते से पार होंगे, पूरा का पूरा सजावट किया जाए, अरेंजमेंट किया जाए, सब कुछ किया जाए, ठीक है ना। उस समय जो है, उस समय बूढ़ी औरत को पता चला, अरे राजा आ रहा है, अरे राजा आ रहा है, हाँ हाँ, वो बुरी औरत एक्साइटेड हो गए, बगल वाले लोग देख रहे हैं, अरे ये क्यों एक्साइटेड हो गई है, क्या किस खुशी में इतना एक्साइटमेंट तेरे को, नहीं नहीं हमारा पैसा बाकी है, एक बात बताओ यार, ठीक है ना, गवर्नर इंडिया का राउरकेला आया था, ठीक है ना, तुम में से अगर कोई बोलेगा नहीं गवर्नमेंट, ये जो गवर्नर है ना, गवर्नर मेरे को 100 रुपये देगा, खराब नहीं लगेगा बोलते हुए, ठीक है ना। वो गवर्नर का राइट हैंड, का राइट हैंड के सेक्रेटरी के, सेक्रेटरी के वो जो नीचे से नीचे लेवल वाला जो पर्सन है ना, वो तुमको 100 रुपए दे देगा और बोलेगा गवर्नर से मिलने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई, गवर्नर तेरे को 100 रुपए बाकी है, तेरे को देगा वो, ठीक है ना। बहुत ऑकवर्ड लगता है सुनने को, ये जो ये बूढ़ी औरत वही बोल रही है सबके सामने, राजा से हमारा पैसा बाकी है, कौन सा पैसा भाई, कैसा पैसा, लोग बोल रहे हैं कितना रुपया, नहीं 4 रुपए, कमाल करती है, ठीक है ना, इतना सा पैसा राजा से, पागल हो गई है, ठीक है ना, कोई उसको हीड नहीं दे रहा था, भाव नहीं दे रहा था, ठीक है ना। और उस समय तो इंटरनेट का जमाना था नहीं कि हु इज द किंग, अच्छा ही इज द किंग फोटो आ जाएगा, वो बेचारी बूढ़ी औरत परेशान थी, क्योंकि सब तो हाथी में आ रहे थे, इनमें से राजा कौन है, ठीक है ना, उनको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन तो था नहीं,
ठीक है ना, और कोई उनको बता भी नहीं रहा था, एंटरटेन नहीं कर रहा था कि कौन राजा है कौन नहीं, वो वैसे ही रोड में जो है अपना दही बेच रही थी, ठीक है ना। तो जैसे कि राजा से पहले उनके सैनिक लोग आते थे, तो कुछ सैनिक जो है कुछ सैनिक उससे पहले आ रहे थे, वो सैनिक लोग दुखी थे, ठीक है ना। क्यों दुखी थे, उसके पीछे एक रीजन है। जब युद्ध खत्म हुआ था ना, युद्ध खत्म होने के बाद वो जो काले घोड़े में और सफेद घोड़े में सवार सैनिक थे ना, वो अचानक से गायब हो गए थे। और क्योंकि गायब हो गए थे, राजा बहुत खुश था कि उन्हीं दोनों की वजह से हम लोग युद्ध जीते हैं। तो मुझे जानना है कि ये दो व्यक्ति कौन से गांव के हैं, क्या एड्रेस है उनका, क्योंकि गायब हो गए, वो लोग तो मिले नहीं। तो उन्होंने जो है अपने सारे सैनिकों को, मंत्री को, वो क्या बोलते हैं, वो जो भी मतलब जितने भी उनके सेनापति, सेनापति को, मंत्री को, सारे सैनिकों को आदेश दिया था, फाइंड देम आउट, ठीक है ना। उनको जो है उनको जगन्नाथपुरी ले जाके जगन्नाथ जी के सामने उनको हम लोग पुरस्कार देंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग अचानक से गायब हो गए थे, मिल नहीं रहे थे, रिक्रूटमेंट भी इतना अच्छे से हुआ नहीं था कि बायोडाटा अवेलेबल है डाटाबेस में, हमारे स्कूल में सर्च करेगा ये स्वामी दर्शन पाड़ी है, ये डाटाबेस वगैरह का इंसान है यहाँ पे सुन रहा है, ठीक है ना। माई स्कूल में सर्च करेगा डाटाबेस, हाँ एड्रेस निकल गया, ये एड्रेस में, फिर गूगल में अपना टाइप करके लोकेशन निकाल लेगा, जाके उसको पकड़ लेगा, ठीक है ना। डाटाबेस फिलअप तो हुआ नहीं था, ठीक है ना, ऐसा फटाफट रिक्रूटमेंट हुआ था, क्या करें, कहाँ से मिलेंगे। अभी लोग परेशान थे कि ये दोनों व्यक्ति कहाँ से आए हैं, कौन थे, किसकी को कुछ पता नहीं, लोग परेशान है। और राजा जो है, राजा पूरा स्ट्रिक्ट आदेश दिया था, मेरे को चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। तो ये लोग इसीलिए परेशान थे कि ये दोनों को हम लोग ढूंढेंगे कहाँ से। तो सारे लोग जो है, सारे लोग टेंशन में थे, सब ऐसे तो जीत के आए हैं लेकिन फिर भी थोड़े उदास होकर आ रहे थे, ठीक है ना। ये बूढ़ी औरत को देखे, उनके आगे में जो घोड़े में जो सैनिक वगैरह थे, वापस आ रहे, आते समय देखिए बूढ़ी और व्यक्ति औरत है, दही वगैरह बेच रही है, तो उसमें से कुछ सैनिक उतरे और दही पीना शुरू कर दिए, ठीक है ना। बूढ़ी औरत जो है उनको दही पिलाई, ये लोग पैसे दे दिए, ठीक है ना। ये लोग जब पैसे दे दिए, बूढ़ी औरत बोल बैठी, आप लोग कितने अच्छे हो, आप लोग जो है, आप लोग को दही पिलाने के बाद जो है आपने पैसे दे दिए। वो दो सैनिक जो पार हुए ना, वो दोनों बहुत गड़बड़ थे, ठीक है ना, पूरा का पूरा मटका पी गए, हमको पैसा नहीं दिए, बोले राजा दी। शॉक्ड हो गए, दो लोगों का बात कर रही, कौन दो लोगों का बात कर रही है तुम, ठीक है, नहीं एक गोरा था एक काला, एक गोरा एक काला, अरे वो तो जो डिस्क्रिप्शन है वो तो मैच कर रहे हैं, और बता कैसे दिखते थे, कैसे दिखते थे, कितना हाइट था, ठीक है ना, हाथ में क्या पहने थे, कपड़ा कैसा था, ठीक है ना, जूता कैसा था, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन पूछे जा रहे हैं। बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत जो जो बता रही है, ये लोग पूरा इंटरेस्ट आ रहा है, अरे यही होंगे, अरे यही होंगे, 90% पॉसिबिलिटी, 100% पॉसिबिलिटी, 200% पॉसिबिलिटी, अरे ये तो वही दोनों थे जो बूढ़ी औरत से छाछ पी के गए, पकड़ में आए, मतलब इधर ही कहीं आसपास के हैं, अब जो है इन दोनों को जो है राजा के सामने हम लोग भेंट करेंगे, मतलब राजा के सामने लेके जाएंगे। बूढ़ी से पूछा गया, एड्रेस क्या है, पता है तेरे को, नहीं नहीं छाछ पी गए चले गए, पैसे नहीं दिए, बोले राजा देंगे। एड्रेस कुछ बताए, कहाँ है, क्या है, नहीं नहीं कुछ नहीं बताए, बस एक जो है एक मुद्रिका दे गए, ठीक है, अच्छा मुद्रिका दे गए, ठीक है ना, दिखा, नहीं 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 क्यों, नहीं नहीं ये मुद्रिका जो है मैं राजा को दूंगी, राजा मुझे 4 रुपए देगा, वो जो घोड़े में आए थे उन्होंने बोला था कि आप ये मुद्रिका जो है, ये मुद्रिका आप राजा को दिखा देना, राजा आपको आपके सारे पैसे दे देगा, ठीक है ना। तो अच्छा ठीक है दिखा तो सही, ठीक है ना, क्योंकि क्या है मुद्रिका जो है, जो मतलब जो अंगूठी निकाल के दिए थे ना, सॉरी मुद्रिका बोल रहा हूँ मैं, जो अंगूठी निकाल के दिए थे ना, वो अंगूठी जब ये सैनिक लोग देखेंगे तो अंगूठी का डिजाइन वगैरह से पता लगा लेंगे कि इस अंगूठी का डिजाइन किसने किया है, उससे ये मालूम चल जाएगा कि कौन से गाँव से बिलोंग करेंगे वो लोग, फिर हम लोग उसका पता लगा लेंगे। तो अंगूठी देखना चाहते थे, तो उन्होंने अंगूठी ऐसा करके देखा। अब ये लोग जो है, ये लोग सैनिक लोग अंगूठी देख के परेशान, मेरे को नहीं लगता ये उड़ीसा का किसी व्यक्ति ने बनाया है, ये इस राज्य का है, ठीक है ना। ये लोग परेशान, लेकिन अगर इस राज्य का है नहीं तो कहाँ का है, कौन बता सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो उसके बाद बुलाया गया सेनापति को, ठीक है ना, कि सेनापति जी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है ना, आप आइए थोड़ा देखिए, शायद अगर आप इस अंगूठी को डिकोड कर लेंगे ना, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है, अंगूठी अगर आपने डिकोड कर लिया तो फिर पॉसिबिलिटी है कि हम पता लगा सकते हैं कि ये दोनों कहाँ के। अभी सेनापति जी आए, वो भी देखें, वो भी कंफ्यूज, अरे हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ के, हे भगवान, ठीक है ना। लेकिन और कोई ऑप्शन तो था नहीं, बस यही उनको एक क्ल्यू मिला था जिससे वो उन दोनों को पकड़ पाते कि कौन है कौन नहीं है। और इधर जो गांव वाले जो बूढ़ी औरत को जो है पगली बोल रहे थे कि यार तुमको राजा 2 रुपए देगा, वो अभी शॉक्ड है, क्योंकि राजा तो बहुत पीछे है, अभी आने वाला है, लेकिन देख रहे हैं कि पूरा सैनिक लोग भीड़ कर रहे हैं, सैनिक के बाद सेनापति आ जा रहा है, सेनापति के बाद मंत्री भी आ रहे हैं,
ठीक है ना, सब बूढ़ी औरत के पास आया जाना है, लेकिन कोई भी जो है वो सिक्के को पहचान नहीं पाया, ठीक है ना, सब परेशान। उसके बाद बूढ़ी औरत ने बोला कि नहीं, उन दोनों ने बोला था कि आप यह सिक्का को जो है राजा को दिखाना, राजा पहचान जाएगा, ठीक है ना, हाँ सॉरी सिक्का नहीं अंगूठी, ठीक है ना, आप ये अंगूठी जो है, ये अंगूठी आप राजा को दिखाना, राजा पहचान जाएगा, ठीक है ना। तो अब लोग जो है, लोग डर रहे हैं, क्यों, राजा जो है, राजा बोले थे ना उनको लेके आओ, ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग डायरेक्टली उनको लेके आ जाएंगे, लेकिन अभी लाने का तो कोई होप नहीं है, अंगूठी भी डिकोड नहीं कर पाए हम लोग, तो चलो यार अंगूठी दिखा के राजा को भी बोल देते हैं कि आप ही पहचान सकते हो, थोड़ा हेल्प कर दो हमें, हम लोग ढूंढ के ले आएंगे, ठीक है ना। तो मैटर एस्केलेट हो गया, पूरा राजा तक पहुंच गया कि नहीं ऐसा ऐसा ही, बूढ़ी बोल दी है कि उन दोनों को, मतलब उन दोनों को उस बूढ़ी औरत ने विटनेस किया, उन्होंने जो है उन्होंने एक अंगूठी दिया, और वो बूढ़ी औरत बोलती है कि अंगूठी आप देखोगे तो पहचान जाओगे, वो हमें दे नहीं रही है, वो बोल रही है कि आप ही को दिखाई दे डायरेक्टली, ठीक है ना। ये एक बड़ा इंसिडेंट हो गया, ठीक है ना। राजा जो अभी तक धीरे धीरे आ रहा, बहुत तेजी से आने लगा, लोग शॉक्ड, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे, ठीक है ना, उधर बूढ़ी औरत को भी आगे लाया गया, राजा भी आए, और दोनों जो है कहीं एक जगह में फिर मिले, ठीक है ना। पूरा भीड़ जमा है, अरे हम लोग तो यार बड़ा बड़ा टेंट डाल के बैठे थे कि राजा को हम लोग भेंट देंगे, और राजा एक बूढ़ी औरत को इतना ज्यादा टाइम दे रहा है। नरेंद्र मोदी राहुल किला आएगा, और राहुल किला आने के बाद तेरे घर में जो है, तेरे घर में लंच करेगा, तू पागल नहीं हो जाएगा एक बार के लिए, अरे अचानक से कैसे आ गया, ठीक है ना। बाकी लोग सोचेंगे, ठीक है ना, तुम्हारे पड़ोस वाले सोचेंगे ये क्या स्पेशल है, हम तो इसको निकम्मा वाला ही समझते थे, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी उसके घर में आके जो है इतना टाइम, आधा घंटा एक घंटा स्पेंड किया, लंच किया और गया, ठीक है ना। तो दिस विल बी शॉकिंग, लाइक वाइज फॉर द पीपल ओवर देयर दैट वाज शॉकिंग, कि राजा जो है बूढ़ी औरत से मिलकर कोई डिस्कशन चल रहा है। अब थोड़ी ना उस समय इंटरनेट का जमाना था कि लोग अपने फोन में टैप करके पूरा मैटर को देख लेते थे कि क्या है क्या नहीं है, बस लोग क्यूरियस थे कि कुछ तो चल रहा है, ठीक है ना। और इधर जो है, इधर वो राजा जो है, राजा उस बूढ़ी औरत से मिले, उसको बोले मुद्रिका, बूढ़ी औरत चारू कर दोगे ना, अरे पैसे मिलेंगे, मुद्रिका दिखाओ, ठीक है ना। मुद्रिका दिखाने के बाद राजा चौंक गए, ये कौन सा, मैं मुद्रिका बोल रहा हूँ, अंगूठी, सॉरी, ठीक है ना। अंगूठी देखने के बाद जो है राजा चौंक गए, ये कौन सा अंगूठी का पता है, जब वो कांची से राजपुरोहित लोग आए थे और राजा को स्वीकार किए थे उस अपनी बच्ची के हस्बैंड के रूप में, तो उस राजपुरोहित ने जो है राजा को अंगूठी दिया था, और राजा ने क्या किया था, राजा ने बोला था कि ये अंगूठी बहुत बेशकीमती है, तो जो बेशकीमती चीज रहता है ना वो सबसे रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी पहनते हैं, तो उन्होंने जो है इस अंगूठी को जो है बड़ा पंडा को दिया था, और उनको बोला था कि आप जगन्नाथ जी को पहना देना, ठीक है ना। तो ये अंगूठी जो है, ये अंगूठी जगन्नाथ जी के पास होना चाहिए, ये अंगूठी इस बूढ़ी औरत के पास कैसे आया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है, वेट वेट, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, बड़पंडा जो है, बड़पंडा ने कहीं बेच दिया होगा, जगन्नाथ जी का तो हाथ नहीं है यार, मतलब उंगली नहीं है, बड़पंडा को मैंने ऑफर करने के लिए दिया होगा, वो जगन्नाथ जी तो पहनेंगे नहीं, तो जगन्नाथ जी तो पहनेंगे नहीं, इसलिए जो है बड़पंडा ने क्या किया होगा, बड़पंडा ने किसी को बेच दिया होगा, और कहीं बाई इंस्टेंस जो है इस बूढ़ी औरत तक पहुंच गया है, ठीक है ना। राजा शॉक्ड, अब गुस्से में है कि बूढ़ी औरत तक कैसे आया, ठीक है ना। उस समय उसने जो है वहीं पे डेरा डाल दिया, नहीं लेट्स रिजॉल्व द मैटर हियर, तुम्हारे पास कैसे आया है, ठीक है ना। बूढ़ी औरत को पूछ रहे कैसे, नहीं उन दोनों ने दिया है, उन दोनों का पता लगा, वहां पे पूरा सेटल हो गया। राजा ने उस समय, क्योंकि अब तो पूरी के अंदर एंटर कर चुके, ये जो सिचुएशन चल रहा है ये पूरी के अंदर है, अभी बस पूरी जो मतलब जहाँ मतलब प्योर मतलब उड़ीसा के अंदर है, सॉरी उड़ीसा के अंदर एंटर कर चुके हैं, बट अभी पूरी पहुंचने ही वाले हैं, उस जगह का ये इंस्टेंस है, ठीक है ना। वो कांचीपुरम से जीत के इतना दूर आ चुके हैं, ठीक है ना। और अब जो है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि तुरंत एक मैसेंजर को भेजा गया, जाके पंडा को पूछो, उसको पकड़ के लेके आओ, किसको बेचा था, ठीक है ना। पंडा ने बोला हम तो किसी को नहीं बेचे, ठीक है ना, हमने किसी को नहीं बेचा है, ये आपने बोला था हमें इसे भगवान को ऑफर करने के लिए, मैंने भगवान को ऑफर किया था, ठीक है ना, लेकिन जगन्नाथ जी के तो हाथ नहीं, ठीक है ना। वो ऑफर करने के टाइम सोचे नहीं थे, राजा अभी पूछ रहे हैं, जगन्नाथ जी के तो हाथ नहीं है, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअलिटी में एक वर्ड आता है तेनो ब्रह्म, मतलब भगवान जो है ना, भगवान यहाँ से हृदय से जो है यहाँ से ज्ञान को प्रकाश करते हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसा डिस्कशन चल रहा था तब रियलाइजेशन जो है अपने आप भगवान के अंदर, मतलब राजा के अंदर स्प्राउट हुआ, ठीक है ना। भगवान जो है भगवान अंदर से बोले, ठीक है ना, स्प्राउट हुआ, भगवान बोले तुमको कौन बोलता है मेरा हाथ नहीं है, मैं अंगूठी पहना भी था और मैंने उस बूढ़ी औरत को दिया भी था, ठीक है ना, कोई झूठ नहीं बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब राजा को जो है, राजा को पूरा यकीन हो गया, नहीं दोनों आए थे, ठीक है ना। और फिर राजा ने उस बूढ़ी, क्योंकि देखो जितना
राजा ने, राजा जितना एक्साइटेड था ना, राजा सोचा था कि हम पूरी जाके उन दोनों व्यक्ति को जो है जिन्होंने युद्ध में हमारा मदद किया है उनको पूरा का पूरा एक बड़ा फेस्टिवल समारोह करके जो है उनको पुरस्कार वगैरह देंगे। लेकिन जितना पुरस्कार वो उनको देना चाहते थे, अब तो पता चल गया कि वो प्रभु है, ठीक है ना। अब पुरस्कार दे तो किसको दे, ठीक है ना। तो अब पुरस्कार जो है, पुरस्कार का हक किनका है? अब पुरस्कार का हक उसी बूढ़ी औरत का है, ठीक है ना। उस बूढ़ी औरत को बोला गया इस मंच पे खड़ी हो जाओ, ठीक है ना। वो मंच पे खड़ी हुई और फिर राजा ने बोला कि तुम चारों तरफ अपनी नजर घुमा के देखो, जहां तक तुम्हारा नजर पहुंचता है वहां तक का जितना भी लैंड है वो लैंड में तुम्हारे नाम करता हूं। और उस बूढ़ी औरत का नाम था माणिका, ठीक है ना। आज भी माणिक पटना नाम का एक सिटी एग्जिस्ट करता है, पूरी से कुछ दूर में माणिका पटना बोलते हैं, ठीक है ना। और अभी भी जो है, देखो पहले जमाने में क्या होता था ना, जमीन वगैरह का पट्टा पर्चा होता था, ठीक है ना। पट्टा पर्चा बहुत मतलब पुरातन काल से चलता आ रहा है, ठीक है ना। आजकल जो है, आजकल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सिस्टम हो गया, लेकिन उस समय जो उस समय पट्टा पर्चा हुआ करता था। तो पट्टा पर्चा में राजा ने जो है पूरा का पूरा प्लेस जो है माणिका पटना उस औरत के नाम कर दिया था। अब वहां के लोग भी शॉक्ड, अरे हम इसको पढ़िए समझ रहे थे, ये तो अभी राजा बन गई और हम लोग इसके प्रजा बन गए, ठीक है ना। और एक्चुअली अभी भी जो है, अभी भी आप अगर क्या बोलते हैं माणिका पटना जाओगे ना, तो वहां पे जो है, वहां पे आप देखोगे कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह होता है, ठीक है ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड सॉरी, ठीक है ना, लैंड रिकॉर्ड वगैरह में अभी भी उनका नाम है, ठीक है ना। ये सिटी भी है, आई एम नॉट श्योर, मैंने तो गूगल में सर्च नहीं किया, बट मैंने सुना तो है, ठीक है ना, कि माणिका पटना नाम का एक है सिटी, ठीक है ना। वो सिटी आज भी वहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो एनीवे राजा पहुंच गया, अब पूरी पहुंच गया, ये सिचुएशन यहाँ पे खत्म हुआ। लेकिन एक और इंसिडेंट हुआ था साथ में, ठीक है ना। ये इंसिडेंट मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, एक्चुअली क्या हुआ था, साखी गोपाल, ठीक है ना, गोपाल जी ऐसे वृंदावन में रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन देयर इज अनदर स्टोरी कि साखी गोपाल जी क्या हुआ था, कुछ एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, क्योंकि अभी तो जगन्नाथ जी का बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो साखी गोपाल जी वृंदावन से चल के जो है यहाँ पे आए, तो वो प्लेस का नाम क्या था, मैं भूल जा रहा हूँ, एक मिनट, विजयनगर, विजयनगर सुने हो, आंध्र प्रदेश में है। यस सर, जानते हो ना। हाँ, तो विजयनगर में, विजयनगर के दो पंडा थे, उनके बीच में कुछ हुआ था इश्यूज वगैरह। तो साखी का मतलब होता है आई एम द विटनेस, आई विटनेस। जैसे आज अगर आप कोर्ट कचहरी जाओगे तो कोर्ट कचहरी में बोलते हो ना कि गवाह कौन है, गवाह को जो है उसको बोलते साक्षी, साखी, ठीक है ना। तो भगवान जो है, भगवान गवाह बने थे, और भगवान गवाह बनने के लिए जो है कहां से चल के आए थे, वृंदावन से चल के जो है विजयनगर तक आए थे, ठीक है ना। तो विजयनगर जो है, विजयनगर में साखी गोपाल जी का ड्यूटी था। जब ये राजा वापस आ रहे थे तो विजयनगर होके आ रहे थे, तो विजयनगर में जब उन्होंने सुना कि अरे अरे यहाँ पे साखी गोपाल जी आए हैं, ठीक है ना, उन्होंने जो है, उन्होंने मतलब एक कुछ इश्यूज हो गया था, उस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए साखी गोपाल जी का मूर्ति जो है वो वृंदावन से यहाँ तक चल के आए हैं, ठीक है ना। तो अब राजा जो है वहां रुके थे और वहां दर्शन लिए। तो जब उन्होंने वहां साखी गोपाल जी का दर्शन लिया, तो वहां वो तो गांव था, वहां पे उतना अच्छे से पूजा सत्कार नहीं हो पा रहा था। तो राजा क्या बोले थे वहां पे, राजा बोले थे कि हम इनको अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है ना, अपने साथ ले जाएंगे, और इनको जो है, इनको बहुत रॉयल फैशन में जो है इनका पूरा मतलब पूजा और सेवा किया जाएगा। तो तीन लोग आए थे राजा के साथ जो है, राजा के साथ नारी आई थी, गणेश जी आए थे, बंदी बना के लाया गया था गणेश जी को, और साखी गोपाल का ड्यूटी, साखी गोपाल जी की मूर्ति को लाया गया था, ठीक है ना। तो अभी पूरी पहुंचे हैं और ये तीनों भी आए हैं। सबसे पहला काम पूरी पहुंचने के बाद राजा ने क्या किया पता है, सबसे पहला काम पूरी पहुंचने के बाद राजा ने जो किया वो ये किया कि सबसे पहले मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी का जो टेम्पल है उसके पीछे गणेश जी को बांध के रख दिया जाए, ठीक है ना। ना उनका पूजा किया जाएगा और ना उनको प्रसाद चढ़ाया जाएगा, खिलाना पिलाना बंद, पूजा पाठ भी बंद। आज भी अगर आप पूरी मंदिर जाओगे ना, तो देखना जगन्नाथ जी का जो मेन टेम्पल है ना, मेन टेम्पल के पीछे साइड आप ऑब्जर्व करना, वहां पे लिखा गया है, वहां पे जो है, वहां पे वो कांची गणेश लिखा गया है, ठीक है ना। गणेश जी का जो डीटी आया था ना, गणेश जी का डीटी को जस्ट उसके मतलब पीछे में जो है, पीछे में रखा गया, और वहां पे देखना, वहां पे जो है एक ताला मार के रखा हुआ था, ताला को कभी खोला नहीं जाता, ठीक है ना। तो गणेश जी जो है, गणेश जी आज तक वहां पे लॉक्ड है, 1000 साल हो गया है, ठीक है। और उनको जो उनको देखना, आप कहीं भी आप पूरी जाओगे ना, तो पंडा लोग जो है, पंडा लोग आपको पूरी के साइड में जो छोटे 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 देवी देवताओं का ये है ना, जो भी रेसिडेंस है वहां पर भी आपको पूजा करवाएंगे, लेकिन गणेश जी का पूजा नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, ठीक है ना। पहला काम ये खत्म। दूसरा काम जो है, दूसरा काम उस नारी को लेके, ठीक है ना, मंत्री को बुलाया गया, मंत्री को बुलाया गया कि इस नारी का जो है, इस नारी का विवाह एक चंडाल के साथ करवाओ। तो
तुम देख लो, तुमको जो चंडाल के साथ करवाना है करो, तुम देख लो ये नारी को जो है नारी को रखो, जब तक एक चंडाल अच्छा खासा चंडाल नहीं मिलता, हाई क्लास चंडाल एक ढूंढने का और उसके साथ इसका विवाह कराने का। डन। तीसरा काम क्या था? तीसरा काम था कि साकी गोपाल के ढेटी को कहाँ रखें। तो देखो एक्चुअली क्या है ना कि पुरी के राजा जो है वो पुरी में नहीं रहते, क्योंकि पुरी में एक्चुअली इस कौन मतलब पुरी किसका साम्राज्य? जगन्नाथ जी का साम्राज्य, वहां पे राजा नहीं रहते। तो उस समय राजा रहते थे कटक में, ठीक है ना। तो कटक में जो है, कटक में साकी गोपाल जी के लिए एक बड़ा सा प्लेस बनाया गया था और वहां पे जो साकी गोपाल जी पूजा प्राप्त करते थे, ठीक है ना। तो वहां पे पूजा वगैरह सब होता था, ठीक है ना। इन द मीन टाइम ऐसे जो है, ऐसे पूरा का पूरा समय बीत रहा था। इन द मीन टाइम इट सो हैपेंड कि राजा जो है, राजा मंत्री से पूछा कि वो नारी का विवाह किया, वो चंडाल वंडाल ढूंढा। तो मंत्री बोले नहीं नहीं मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है ना, चाहिए चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, बेस्ट क्वालिटी आपने बोला है ना, तो मुझे समय चाहिए, ठीक है ना। एंड ऐसे जो है, ऐसे ही पूरा का पूरा साल बीत गया, ठीक है ना। और एक साल के बाद फिर से जो है रथ यात्रा महोत्सव आया, रथ यात्रा महोत्सव आया और फिर से राजा ने चंडाल बेच लिया, मतलब झाड़ू करने गए। और जब राजा झाड़ू कर रहे थे, राजा देखे कि उनके गले में कोई वर्मा वाला डाल रहा है, क्या है, ठीक है ना। तो फिर मंत्री बोलते हैं, आपने बोला था एक क्लास, और एक क्लास कौन है आपको छोड़ के, ठीक है ना। तो वहां पे जगन्नाथ जी के सामने, इतने सारे लोगों के सामने उन दोनों का विवाह भी हो गया, ठीक है ना। अब जो राजा ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और राजा ने जो है उसे अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट किया, और उसको फिर अपने साथ राजपाट लेके आए, ठीक है ना, कटक लेके आए। अब कटक में जो है, कटक में और एक इंसिडेंट हुआ। कटक में क्या इंसिडेंट हुआ कि अब तो वो रानी बन चुकी है वहां की, कटक की, ठीक है ना। राजा की वाइफ रानी कहलाती है, ठीक है ना। एक राजा हमेशा रानी ढूंढता है, ठीक है ना, और एक सेवक हमेशा स्वामी ढूंढता है, याद रखना, ठीक है। तो एनीवे, तो वो राजा जो है वो अपनी रानी को लेके आए वहां पे। अभी वो वहां पे रानी को लेके आए, और रानी जो है, अब राजा रानी दोनों वहां पे जब रह रहे हैं, तो वहां पे साकी गोपाल जी का हर दिन पूजा होता था, ठीक है ना। साकी गोपाल जी के डीटी जो वृंदावन से आए थे, अभी वो कटक में है, ठीक है ना, और कटक में उनका पूजा होता था। तो जब वहां पे पूजा होता था, तो अब वो तो रानी बन गए। अब वो रानी जो है एक दिन सुबह सुबह मंगल आरती के टाइम में पहुंच गई, ठीक है ना। मंगल आरती के टाइम में पहुंच गई और साकी गोपाल का डीटी को देख के माय गॉड शी वाज सो इंप्रेस्ड, ठीक है ना, बहुत खुश हो गई, ठीक है ना। और उनको जो है, उनको अभी साकी गोपाल जी को कुछ भेंट देने का मन किया। तुम भी देखते हो ना, जब दो लोग मिलते हैं ना, तो थोड़ा सा जब खुश हो जाते हो ना, तो तुम लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हो, हाथ वाथ मिलाते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ रहेगा तो आप गिफ्ट भी देना चाहोगे, ठीक है ना। तो रानी को जो है, रानी को अभी साकी गोपाल जी को कुछ भेंट देने का मन किया। तो वो ऐसे करके उनके नाक में ना एक काफी कीमती जो है, उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, नाक में पहनने वाला, ठीक है ना, अभी मैं वही बोलूंगी, नाक में पहनने वाला, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोली? छोड़ो, नोज पिन, ठीक है, नोज पिन फॉर द टाइम पिन, ठीक है ना। तो एक काफी कॉस्टली नोज पिन पहनी थी रानी, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो है, ऐसे करके नोज पिन देने जाने वाली थी, लेकिन फिर रुक गई वो, ऐसे करके हाथ रखी, हाथ रखने के बाद उसके मन में आया कि नोज पिन दूंगी, फिर रुक गई। क्यों? क्योंकि वो बोली कि नोज पिन मैं ऐसे ऑफर कर दूंगी, फिर वही इंसिडेंट जैसा होगा कि राजा ने अंगूठी ऑफर कर दिया था, और भगवान जो है, भगवान के ऊपर फिर वो डाउट कर बैठे, भगवान का हाथ नहीं है, उंगली नहीं है, भगवान कैसे पहनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है, अभी मैं नोज पिन दूंगी, नोज पिन इतना कॉस्टली है, और कहीं जो है, कहीं ये भगवान के चरणों में रखेगा ये पंडित पुजारी, और उसके बाद कहीं नोज पिन अगर कहीं इधर उधर मिसप्लेस हो गया, काफी कॉस्टली चीज, छोड़ रहने देते हैं, ठीक। कुछ और दूसरा भेंट वेट दी होगी वो, और उसके बाद जो उस दिन का मंगल आरती वगैरह समाप्त हो, उस दिन रात को जो है साकी गोपाल जी उनके सपने में आते हैं, नोज पिन देने वाले दी नहीं, ठीक है ना। अरे मैं क्या करूं, आपके नाक में छेद ही नहीं है, तो हम तो देना चाहते थे, लेकिन वो फिर यहीं पर, कौन बोला मेरे नाक में छेद नहीं है, बचपन में यशोदा मैया जो है छेना खिला खिला के नाक में छेद कराई है मेरा, ठीक है ना। वो तो ये पुजारी ठीक से सेवा नहीं करता, इसलिए छेद भर गया, कल सुबह आके देख नाक में छेद है, वो आप देना चाहती है तो देखे जा, ठीक है ना। रानी शॉक, दूसरे दिन मंगल आरती में पहुंची और वहां देख रही है कि साकी गोपाल जी के नाक में छेद है, तुरंत अपने नाक से निकाल के पुजारी को पकड़ाई और ऑफर कर दी भगवान को, ठीक है ना। तो अगर कोई भगवान को कुछ दिल से देना चाहता है ना, भगवान दोनों हाथों से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। भगवान ऐसा नहीं है कि रुक जाते हैं, ठीक है ना। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो, या भगवद गीता में बोलते हैं पत्र पुष्प फल तो, तुम जो है तुम बोलेगा भगवान को हम आपको 10 किलो सोना देंगे, भगवान इंप्रेस नहीं होंगे, ठीक है ना। भगवान को तुम बोलेगा हम आपको सिर्फ एक पत्ता ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं, प्लीज आप इसे स्वीकार कीजिए।
भगवान उसे भी स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि भगवान को जो है, भगवान को सोना चांदी कॉस्टली थिंग्स, 100 लोगों के सामने मुझे भेंट चढ़ाया जा रहा है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर तुम भगवान को प्रेम से पुकारते हो, तुमने भगवान को खरीद लिया, ठीक है। तो एनीवे दिस इंसिडेंट हैपेंड, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ लड़ाई वगैरह, कुछ डिस्प्यूट वगैरह के चक्कर में जो है राजा को अपना लोकेशन जो है कटक से खुर्दा शिफ्ट करना पड़ा। तो जब कटक से खुर्दा शिफ्ट किए तो बड़ा सा मंदिर नहीं बना पाए साकी गोपाल जी के लिए। तो क्योंकि बड़ा सा मंदिर साकी गोपाल जी के लिए नहीं बना पाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि साकी गोपाल जी को कुछ दिन तक जो है पूरी में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरी में रखे, अभी जब पूरी में रखे साकी गोपाल जी को, तो वहां पे जो है, वहां पे एक दिन राजा के स्वप्न में जो है जगन्नाथ जी आते हैं और बोलते हैं हटाओ इसको, ठीक है ना। क्या हुआ, अरे क्या हुआ, हर दिन रात को मेरा खाना खा जाते हैं, दो भगवान के बीच में ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो जगन्नाथ जी को ना दो तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है, एक है कच्चा प्रसाद, एक है पक्का प्रसाद। कच्चा प्रसाद किसे बोलते हैं, सुबह के टाइम में भगवान जो है चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये सब कच्चा प्रसाद के ग्रेड में आता है। और शाम के टाइम में जो है, रात के टाइम में जो है भगवान वो खाते हैं, क्या बोलते हैं वो, अरे जो हम लोग जगन्नाथपुरी का प्रसाद मेन प्रसाद है, सब भूल जाता हूँ यार मैं, ठीक है ना, खाजा, खाजा, खाजा हो गया, और जो भी मतलब जो मीठा वगैरह आइटम्स वगैरह होते हैं ना, ये सब पका प्रसाद के ग्रेड में आते हैं, ये सब शाम को खाते हैं, ठीक है ना। तो साकी गोपाल जी क्या कर रहे थे, साकी गोपाल जी जो पूरी में थे, ठीक है ना, जो फॉर द टाइम बीइंग उनको पूरी शिफ्ट किया गया था, वो जो है कच्चा प्रसाद नहीं खाते थे। तो दिन भर जो है जगन्नाथ जी को प्रसाद मिलता था, लेकिन रात को जो, रात में जब भी जगन्नाथ जी तक प्रसाद आता तो झूठा हो जाता था, ठीक है ना, क्योंकि रात को जो साकी गोपाल जी खा लेते थे रात का प्रसाद, ठीक है ना। तो उस जगन्नाथ जी बोले हटा लो, मेरा सारा खाना खा जा रहा है, डेली रात को जो है भूखे सो रहा हूँ, फास्टिंग करना पड़ रहा है, ठीक है ना, उसको कोई और लोकेशन दो, शिफ्ट करो। तो आज भी आप देखोगे, आज भी जो है पूरी से कुछ 18-20 किलोमीटर दूर जो है ना एक छोटा सा शहर है, शहर या गांव बोलोगे, जिसका नाम है साकी गोपाल, ठीक है ना। तो राजा ने जो है, राजा ने उनको वहां पे शिफ्ट किया था। और आज भी जब आप जाओगे ना साकी गोपाल, तो वहां पे देखना, नोटिस करना, साकी गोपाल जी को कच्चा प्रसाद नहीं चढ़ता है, ठीक है ना। साकी गोपाल जी को कच्चा प्रसाद पसंद नहीं है, उनको पक्का प्रसाद पसंद है। तो हमेशा जो है वहां पे साकी गोपाल जी पक्का प्रसाद खाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पूरा का पूरा इंस्टेंस मैंने बताया, ये छोटा सा इंसिडेंट जो 1000 साल पहले हुआ था, ठीक है ना। फॉर द टाइम बीइंग आई विल से द स्टोरी एंड्स हियर। ऐसे भगवान के हजारों अनेक कथाएं हैं, ठीक है ना। कुछ मुझे आता है, कुछ मैं भी सुनना चाहता हूँ, शायद आगे चल के भगवान जो, भगवान चाहेंगे तो मुझे रिवील करेंगे वो, ठीक है। हाँ जी सर, कुछ खुल डाउन, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, बाय द रिक्वेस्ट ऑफ सम पेरेंट्स, मैं एक्चुअली कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरा और कभी ऐसे आपका ये करूंगा, क्लास दूंगा ऐसे स्टोरी टेलिंग क्लास, ठीक है ना। बट मुझे जो है, मुझे गिन के जो है, गिन के दो पेरेंट्स का कॉल आया, ठीक है ना, ऑनली टू पेरेंट्स, और उन्होंने बोला नहीं सर, यू मस्ट कंटिन्यू, ठीक है ना। सो फॉर देयर प्लेस आई एम कंटिन्यूइंग, ठीक है ना। और फिर मुझे लगा कि नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, कूल डाउन, आई विल कंटिन्यू, रिलैक्स, ठीक है ना, भूलने का दरकार नहीं, ठीक है ना। सो आई ट्राई माई बेस्ट। अभी जो है, अभी रथ यात्रा के लिए और भी 3 वीक बाकी हैं, ठीक है। मैं ये अपने स्टेटस में 3 बार डाल चुका हूँ, ठीक है ना। आपने नोटिस किया होगा, जब मैं फोटो डालता हूँ ना, तो फोटो के नीचे एक स्टैंजा लिखा हुआ रहता है, वो स्टैंजा किसी को याद है, रथस्तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मना विद्यते, ठीक है ना। कि जो भी मनुष्य जो है भगवान को उनके रथ में विराजमान होते हुए देख लेता है, उनको और दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन आई वॉज थिंकिंग, अरे आप चुप ना यार, भाई रिलैक्स, लड़का, ठीक है ना। जब मैं ये बोला था ना, तो मेरे को एक दो क्वेरीज आए, ठीक है ना, और लोग मुझसे पूछते हैं कि सर पुनर्जन्म लेने में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मैं बोला यार छोड़ो तू, ठीक है ना। तो अभी दुनिया में काफी इंफॉर्मेशन पहुंचा, देखते हैं इवेंचुअली विद टाइम करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन जो है, आपका क्वेश्चन से पहले, इससे पहले कि हाँ, वेट, जस्ट वेट, इन बिफोर यू कैंडिडेट विल लीव, आपको पता है ना एक बड़ा सा सेमिनार होने जा रहा है कल विवेक बिंद्रा जी जो है वो भगवद गीता के ऊपर कुछ बोलने वाले हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, डोंट मिस इट, ठीक है ना। अच्छा रहेगा अगर आप उसे मिस नहीं करोगे तो। उसमें रजिस्ट्रेशन का जो है, रजिस्ट्रेशन का एक लिंक है भगवदगीता जो है, एक्चुअली विवेक बिंद्रा जी के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। तो लाइक काइंड ऑफ वो जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले भगवदगीता पे, दैट इज फ्रॉम भगवदगीता एज इट इज ऑनली, दैट इज कंप्लीटली जेन्युइन। आई रिक्वेस्ट यू
कि कल का जो एक सेमिनार रहेगा, तीन सेमिनार था आज, अल्फ्रेड फोर्ड जी ने दिया था, अल्फ्रेड फोर्ड, ठीक है ना, फोर्ड कंपनी के मालिक, उनका सेमिनार आज था, ठीक है ना, और उनका रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा आपको, तो कल आपको लाइव इवेंट ही देखना है, ठीक है ना। तो कल जो है, कल विवेक बिंद्रा जी का एक सेमिनार है, और परसों जो है, परसों इनका राधेश्याम प्रभु का सेमिनार है। सो आई रिक्वेस्ट कि दोनों सेमिनार को मिस ना करो, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन लिंक्स वगैरह है ना, वो लिंक्स वगैरह मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। उसके बाद यू प्रिफर टू हैव दैट सेमिनार, ठीक है ना, इवन आई विल लिसन टू इट टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, लेट्स सी। हाँ जी, क्वेश्चन, अब जिनका लेट हो गया वो जा सकते हैं। हाँ जी सर, सर जगन्नाथ जी का उंगली नहीं है क्या, तो वो खाते कैसे हैं? विशाखा वेट, तू अकेली एक में है, तुमको मैं बोला था इधर आ जाने, तू सुनती क्यों नहीं है, इधर आ जा, दूसरे में आ जा, ठीक है ना। देयर इज अनदर आईडी 8598888, यू कम हियर, ओके। हाँ छोटे, तुमने बोला कि जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है फिर भी वो खाते कैसे, ठीक है ना यार। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस ना मेरे को परेशान किया करता था व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। इनफैक्ट लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं, मतलब भगवान को जो चढ़ाते हैं उसे भोग बोला जाता है, और भगवान खा लेंगे, उसके बाद जो वापस आता है भगवान का जूठा, उसे प्रसाद बोलते हैं। तो लोग मेरे से ये पूछा करते थे, इनफैक्ट मैं, मेरे भी मन में आता था कि अरे यार भगवान अगर खा लेते हैं तो जब जो गया और जो आया उसमें वॉल्यूम डिफरेंस तो होना चाहिए ना। लेट्स से द इनपुट वॉल्यूम वाज 100 मीटर क्यूब ज्यादा हो जा रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इनपुट मास 100 ग्राम का मास आपने इनपुट दिया होगा, ठीक है ना, तो आना चाहिए एटलीस्ट 90 ग्राम का मास। आप 100 इनपुट देते हो, 100 आउटपुट आता है, खाएं कहां भगवान, ठीक है ना। दिस माइट बी अ क्वेश्चन। तो मैंने ये क्वेश्चन राधेश्याम प्रभु से पूछा था, और राधेश्याम प्रभु ने एक फैंटास्टिक आंसर दिया, ठीक है ना। हम लोग का जो है ना, हम लोग का संसार इस तरीके से काम करता है कि हम लोग खाते हैं तो खत्म हो जाता है, एंड वी थिंक कि क्रिएशन में सब कुछ ऐसा ही है। तो उन्होंने सबसे पहले एग्जांपल दिया कि योगेश, तू एक पर्टिकुलर फोटो को व्हाट्सएप में 100 लोगों को सेंड करता है। जब तू उस फोटो को 100 लोगों को सेंड करता है तो 100 लोगों के पास तो पहुंचा, लेकिन क्या तेरे पास जो फोटो था वो डिलीट हो गया क्या? इट रिमेन्स एज इट इज, ठीक है ना। जब आप किसी को मेल करते हो, जब आप किसी को व्हाट्सएप करते हो, ठीक है ना, तो द फोटो इज विथ यू, द पिक इज विथ यू, बट एट द सेम टाइम ए कॉपी ऑफ द पिक गोज टू द रिसीवर, ठीक है ना। लाइक वाइज जब आप भगवान को ऑफर करते हो ना, तो भगवान जो है, भगवान उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड डिस्पाइट एक्सेप्टिंग द होगा, द क्वांटिटी ऑफ द होगा रिमेन्स एज इट इज, ठीक है ना। जैसे कि तुमने पूछा, आपके बता चुके सर, आप इसमें बता चुके थे, ठीक है। तो जैसे कि आपने पूछा कि भगवान का हाथ नहीं है लेकिन तो भगवान खाते कैसे हैं? और एक स्टोरी सुनाऊंगा नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट टाइम शायद, ठीक है ना, जहां भगवान ने हाथी बेच लिया था, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान का हाथ नहीं है, भगवान का, भगवान देखो, जब तुम लोग खुश होते हो ना, किसी किसी को पता होगा, ठीक है ना, जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होता है, रात को जो है, रात को तुम्हारा बर्थडे है, तुमने देखा कोई विश नहीं किया, ठीक है ना। उसके बाद सुबह भी देख रहे हो, तुम्हें कोई विश नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम सोच रहे हो क्या हो गया, सब मेरा बर्थडे भूल गए क्या, शाम को सरप्राइज, सब मिलकर सरप्राइज दे रहे हैं। आपको अचानक से एक रूम में बुलाया गया, आप गए उस रूम में, आप सरप्राइज, माय गॉड, ठीक है ना, सो एक्साइटेड, ठीक है ना। तो जब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो हाथों, हाथ का जो है ना, हाथ को उंगली और ऐसे नहीं रहता, एक्साइटमेंट में उंगली जो है ना, उंगली ऐसे ही हो जाता है, मुट्ठी बन जाता है, ठीक है ना। ये फेस आप किसी को दिखाओगे नहीं, ठीक है ना। कभी जो है, कभी क्लासरूम के बीच में खड़े होगी, ऐसा नहीं करोगे आप, मैं कर रहा हूं फोटो मत खींच लेना, ठीक है। ये बहुत, मतलब ये एक्साइटमेंट वाला जो फेस है ना, ये आप कहां दिखाओगे? रूम में दरवाजा बंद करके आईने के सामने, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा खराब लगता है ना कि मैं ऐसे भी हूं, ठीक है ना। तो भगवान जो है ना, भगवान भी काफी एक्साइटेड हो गए थे, और वो पूरा ऐसे थे, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी को कभी देखा ऐसे टीवी में, जैसे मैं अभी बार बार ऐसे ऐसे हो रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को कभी ऐसे ऑब्जर्व नहीं करोगे टीवी में। टीवी में आएंगे पूरा पावर में, मित्रों, भाइयों, दोस्तों, एक्स वाई जेड, ए बी सी, थैंक यू, ठीक है ना। देयर इज अ फॉर्मल टॉक। कभी इनफॉर्मल देखे हो नरेंद्र मोदी जी को? कभी कभी देखे हो गए, इनफॉर्मल में भी फॉर्मेलिटी रहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कैमरे में है, ठीक है ना। तो कभी जो है, कभी नरेंद्र मोदी को आप जो है
वो क्या बोलते हैं हाफ पैंट को ऐसे ऐसे घुमाते हुए नहीं देखोगे बेड में जो चढ़ के डांस कर रहे हो, इस तरह का वीडियो कभी आउट नहीं आने वाला। और अगर कोई ऐसा वीडियो बना भी लेता है ना मोदी जी का, तो मोदी जी क्या करेंगे मालूम है? मोदी तुरंत बाहर नहीं जाने का वीडियो लिखने होने चाहिए, होना चाहिए, क्यों? बहुत रेपुटेशन है अपना, ठीक है ना। तो एक बार भगवान के साथ भी ऐसा होता कि भगवान काफी एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें देख लिया था, ठीक है ना। और नारद मुनि देख लिए तो भगवान बोले किसी को बताना मत, अपना इमेज का सवाल है, ठीक है ना। नारद मुनि बोले हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन लेट्स हैव अ डील, ठीक है ना, लेट्स हैव अ डील। देखो इसको बोलते हैं बिजनेस, ठीक है ना। हम नहीं बताएंगे बदले में मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो भगवान बोले बोलो क्या चाहते हो, बताना मत, बदले में क्या चाहिए? नारद मुनि बोले हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये रूप जो है सबको दिखाना होगा, ये मेरा इच्छा है, इसे आप पूरा कीजिए। फंस गए भगवान, ठीक है ना। तो वही भगवान का जो एक्साइटमेंट वाला रूप है ना, भगवान जब एक्साइटेड हो जाते हैं तो भगवान के एक्साइटमेंट वाला रूप में जो भगवान का हाथ ऐसे हो जाता है, मुट्ठी बन जाता है। इसलिए जगन्नाथ जी को देखोगे जगन्नाथ जी ऐसे हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं है, ऐसे, ठीक है। आप जगन्नाथ जी को ऑब्जर्व करोगे दांत बड़ा बड़ा है, मतलब स्माइल जो है ना जगन्नाथ जी का, देखो उतना बड़ा तो आप भी नहीं कभी स्माइल कर सकते, कोशिश करके देख लो, जबड़ा बाहर आ जाएगा लेकिन स्माइल नहीं होगा, ठीक है ना। और भगवान का जो है ऐसे मोरूज नहीं है, आंख भी बड़ा बड़ा है, ठीक है ना। तो भगवान का वो एक्साइटमेंट वाला रूप है, कौन बोला जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है, ठीक है ना। हाउ इज इट पॉसिबल, ही इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, कम ऑन, ठीक है ना। जगन्नाथ जी का हाथ भी है और जगन्नाथ जी खाते भी, ठीक है ना। सर हम लोग क्यों नहीं देख पाते, मेरे अंदर भक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर होगा तो तुम देख पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान भगवदगीता में बोल दिए, क्लियरली बोल दिए, जिस दिन तुम सब कुछ छोड़ के सिर्फ मुझे पाना चाहोगे, आई विल रेसिप्रोकेट, ठीक है ना। रेसिप्रोकेट इन द सेंस, आज तक रेसिप्रोकेशन जो है अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, रेसिप्रोकेशन इन द सेंस कि आप भगवान से बात नहीं कर पा रहे हो, आप भगवान को प्रार्थना करते हो लेकिन उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आता, आप सोचते हो कि यार भरोसा करूं या ना करूं, ठीक है ना। तो ये रेसिप्रोकेशन बिल्टअप करने में टाइम लगता है, सॉरी, ये फेथ और ये लव जो है भगवान के प्रति बिल्टअप करने में टाइम लगता है, ठीक है ना। धीरे धीरे जब भगवान के बारे में सुनोगे, जानोगे, समझोगे, ठीक है ना, उसके बाद जो पहले जो है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग सुनते हैं, ठीक है ना। सुनने के टाइम में फेथ आता है, वो फेथ ना धीरे धीरे बिलीफ में कन्वर्ट होता है। फेथ अलग चीज है, फेथ मतलब मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, लेट डेमो क्लास, ठीक है ना। और बिलीफ अब तो मेरे को गारंटी है, ठीक है ना। क्लास 6-7 में था ना, मेरे घर में पापा मम्मी पूजा किया करते थे, मेरे को समझ में नहीं आता था कि भगवान है या नहीं है, ठीक है ना, सच में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम तो साइंस के बच्चे हैं और साइंस का भी जो है स्पिरिचुअलिटी का एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं भी एक बार के मान लिया था नो स्पिरिचुअलिटी, भगवान नहीं है, ठीक है। भगवान का क्या इच्छा, मतलब भगवान का कुछ और इच्छा था, भगवान बोले बेटा नो स्पिरिचुअलिटी, बताता हूँ तेरे को ना। अब मेरे को समझ में आ गया है कि चीजें क्या है, कैसी है। एनीवे, एनी अदर क्वेश्चन सर? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं बोल रहा था कि कोर्ट है, मतलब यादा ही धर्मों से वाले कोर्ट नहीं है। अरुणांशु तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य वाले तो नहीं है। हाँ, एक श्लोक है भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ तो सर, तो मैं उसमें बोल रहा हूँ कि सर जो बोलते हैं कि भगवान फिर मतलब दिखाई नहीं देंगे या फिर वैसा कुछ बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ भगवान खुद ही बोले कि जब जरूरत पड़ेगा मतलब आऊंगा मैं, मुझे पता है तो क्या बोल रहा है, ठीक है ना। बस मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कोई बोला है कि भगवान दिखाई नहीं देंगे, कौन बोला है तुमको भगवान दिखाई देंगे नहीं देंगे, आई डोंट नो, ठीक है ना। मैंने अभी अभी क्लियर कर दिया, मेरे पास इतना भक्ति नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास भक्ति है ना, भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है ना। आज हम क्या है ना, आज हम 10% भगवान को चाहते हैं, 20% पबजी को चाहते हैं, आधा परसेंट फिजिक्स को चाहते हैं, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं 40% वेब सीरीज को चाहते हैं। तो भगवान इज अ साइड नोट, ठीक है ना। अरे भगवान आप चाहिए लेकिन आप नहीं भी मिलोगे तब भी हम जी लेंगे, व्हाई शुड लॉट रेसिप्रोकेट, ठीक है ना।
क्या मेरे से रेसिप्रोकेट करते हैं? मैं तो पापी हूँ, मेरे से भी ना कोई रेसिप्रोकेशन वगैरह नहीं करते हैं। हाँ लेकिन इतना पक्का है कि जरूर एक ना एक दिन करेंगे, ठीक है ना? आज ना नहीं है, ठीक है ना? भक्ति तो ग्रो करेगा, ठीक है ना? और क्या होगा, तुम हमसे बहुत बहुत आगे हैं जी, आप लोग हमसे, ठीक है ना? बस भगवान ने मुझे इस पोजिशन में रख दिया, अदरवाइज यू पीपल आर मोर एडवांस, ठीक है ना? यू पीपल आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग्स, ठीक है? काफी जल्दी प्रोग्रेस करोगे आप स्पिरिचुअलिटी में। एनी अदर क्वेश्चन? सर भूत कहाँ मिलते हैं? क्या कहाँ मिलता है सर? भूत भूत और येल में होता है क्या? मेरे घर में एक इंसिडेंट हुआ था, ठीक है ना? उससे पहले मैं भूत को नहीं मानता था, ठीक है ना? भूल भुलैया मूवी जो है ना, भूल भुलैया मूवी जब रिलीज हुआ था उससे 2 साल पहले मेरे घर में जो है वो सेम इंसिडेंट हुआ था। मेरी चाची जी को भूत पकड़ा था, चाची वाला। I'll narrate that incident sometime later, ठीक है ना? For the time being I can say कि I have witnessed, ठीक है ना? तो मैंने विटनेस किया है, तो आप इस चीज का भरोसा, आपको देखा है, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना? They exist, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें पकड़ेगा, वो तुम्हें देख के डर के भाग जाएगा, टेंशन मत। सर वो गोपा सर जगन्नाथ जी के पास वो उनको रखा गया था ना गोपाल जी को, पर वो भोग ऐसे वो भोग खा लेते थे, तो वो तो दोनों एक ही थे, फिर वो कैसे भोग खा लेते थे? तो भगवान के बीच में क्या लीला नहीं हो सकता, ठीक है ना? आप बोल रहे हो कि दोनों एक ही थे, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक फिजिक्स टीचर मैं हूँ, एक गोपाल सर है, हम दोनों एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर सकते। मेरे को मेरा आइसक्रीम मेरा, वो मेरे से छीन के ले जाते हैं मेरा, ठीक है ना? फ्रिज में आइसक्रीम पड़ा हुआ रहता है, लास्ट पीस किसका होगा? नोबडी नोस, ठीक है? कभी मैं खा लेता हूँ, कभी वो खा लेते हैं, ठीक है ना? तो मैं भी उनके ऊपर चिल्लाता हूँ, ए चलो जाओ यहाँ पे, ये आइसक्रीम मेरा है, ठीक है ना? वो भी मेरे को, ए तुमको नहीं मिलेगा ये चीज, ठीक है? इट हैपेंस, ठीक है ना? तुम्हारे गोपाल सर जो मैथ के, तो जो भगवान का दो रूप है वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, दे आर फीलिंग प्लेजर ऑन इट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? एनीथिंग एल्स? हाँ जी सर, सर बहुत सारे सीलेंट लोग जो होते हैं सर, मतलब भाई मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, रोनांशु तू माइक म्यूट कर, तू म्यूट ही रख, ठीक है ना? एनीवन एल्स? सर सुन रहे हो? हेलो, अरे चले सर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।